हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे और जबरदस्त होंगे और अपने पेपर के लिए तैयारी के लिए भरपूर प्रयास कर रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे होंगे। तो आज का भैया बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि मैं क्लास 10th का जितना भी फिजिक्स का चैप्टर है उस सारे चैप्टर को इस वीडियो के जरिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल दिक्कत को दूर करने का कोशिश करूंगा। हमारा महामैराथन क्लास क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। वन शॉट में पूरा चैप्टर फिजिक्स क्लास 10th का लपेटेंगे। तो आज का हमारा बेसिक बात यह है कि भैया वन शॉट, मैं वो टीचर नहीं हूं कि वन शॉट बोल के मैं आधे घंटे में क्या कर दूं, चीजों को समाप्त कर दूं। भैया जो 7-8 क्लास का जो क्लास होता है, 7-8 क्लास लिया जाता है हमारा रे ऑप्टिक्स पढ़ने में ही, जो हमारा लाइट चैप्टर, कम से कम 7 से 8 क्लास लग जाता है। अब तुम बताओ उसको मैं आधे घंटे में कैसे क्लियर कर सकता हूं। आप लोग पढ़ के आए होंगे इस चीज का मैं मानता हूं कि आप पहले से पढ़ के रखे होंगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, रिवाइज के टाइम में थोड़ी थोड़ी क्या कर दिया जाएगा, फास्ट कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी आधा घंटा के अंदर लाइट चैप्टर को लपेटना इतना आसान बात है नहीं। कोशिश हमारा यही रहेगा कि आपको चीजों को एक एक बारीकी से क्या किया जाए, कम से कम समय में आपका दिक्कत को क्या किया जाए, दूर किया जाएगा। क्लास 10th का फिजिक्स उतना बड़ा कोई तुर्रम खान है नहीं, इस चीजों को हम बात को समझे। और बिल्कुल इजी इजी चैप्टर है, मेन 4 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर को हटा दिया, मेन 3 ही चैप्टर है। कौन सा, लाइट चैप्टर है पहला, और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बात करेंगे बारी बारी, लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास का वीडियो होने वाला है, जिसमें आपका क्लास 10th का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने 3 से 4 घंटा लास्ट तक हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन में केवल हमारा कॉन्सेप्ट का काम होगा, और बाकी आने वाले वीडियो में इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्या किए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, और पेपर में कैसे बोर्ड लेवल पर कैसे सेटअप होता है उसका भी प्रिपरेशन आपको कराया दिया जाएगा। और भी हमारे इससे चैप्टर से रिलेटेड हमारे वीडियो है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th के प्लेलिस्ट, मिस्टर परफेक्ट बैच के नाम से प्लेलिस्ट होगा क्लास 10th का साइंस का, तो उसमें जाके आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आता है, परेशानी होता है, तो ओटीसी हमेशा आपके साथ डटकर खड़ा हुआ है। आइए इसी शपथ के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महामैराथन क्लास, जो कि क्लास 10th का फिजिक्स का ऑल चैप्टर होने वाला है। तो फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और हो जाइए रेडी विद ओम प्रकाश वर्मा सर के साथ। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमने उठा लिया अपना पेन और अपना कॉपी, अपना मॉनिटर, अपना डिजिटल बोर्ड। आप लोग से यही उम्मीद है कि जो जो बातें आपको अच्छा लगता है उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और फॉर्मूले का एक कहीं कोपचे में, कोने में मस्त स्टाइल से उस फॉर्मूले को लिख दीजिएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा क्लास 10th का साइंस का बैच क्या है भाई, तो क्लास 10th का साइंस का मिस्टर परफेक्ट स्पेशल बैच नाम दिया हुआ है। ओटीसी स्टडी स्मार्ट हमारे चैनल का नाम है। आज का होने वाला है फिजिक्स कौन सा मैराथन, इसमें लिख सकता हूं ऑल चैप्टर ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th का सारे के सारे चैप्टर इसके अंदर होने वाले हैं। तो चलो भाई आते अपने नेक्स्ट स्लाइड के पास। तो भैया स्पेशल फीचर्स ओटीसी स्टडी स्मार्ट का क्या है, तो भैया हम क्या रखते हैं, एक टेस्ट सीरीज रखते हैं, दूसरा क्या करवाते हैं, एग्जाम रिव्यू कराते हैं, तीसरा क्या होते हैं, होमवर्क हेल्प कराते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रिपरेशन जबरदस्त है, हमें पेपर के जैसा कोई पेपर मिल जाए, सैंपल पेपर मिल जाए, हम उसको क्या कर पाए, सोल्व कर पाए, तो हमारे सैंपल पेपर का भी सीरीज चालू है। हमारे वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए और सैंपल पेपर को डाउनलोड कीजिए, अपने आप को प्रिपरेशन करने में एक स्टेप को और आगे बढ़ाइए। फिर हम करते हैं एक्स्ट्रा रिव्यू। अगर आपको लगता है कि उससे भी अगर आपका मन नहीं भर रहा है, आपको एक्स्ट्रा रिव्यू की जरूरत है, तो हम पर्सनल भैया कोई हमें व्हाट्सअप कर दो या क्या कर दो, कमेंट कर दो, हम उसके ऊपर पर्सनल बात आकर कर सकते हैं। तीसरा क्या हमारा होमवर्क हेल्प है, ठीक है, आपको कोई होमवर्क में दिक्कत होता है तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और भाई स्टार्ट करते हैं, हमारे चैनल का नाम ओटीसी स्टडी स्मार्ट, तो ओटीसी स्टडी स्मार्ट में हम बढ़ते हैं भैया। हाँ, हमारा एक और सीरीज चल रहा है T20 सीरीज। T20 सीरीज का मतलब टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन कि जो पेपर के लिए मोस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्लास 10th के ऊपर बनाया हुआ, जैसे कि T20 सीरीज में बनाया हुआ हूं ऑल क्वेश्चंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा कैसा है, चैप्टर 2 का है शायद, मैथ का है, फिर क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी ट्रिगोमेट्री के है, फिर ठीक है चैप्टर 10 का है इलेक्ट्रिसिटी का, एनसीईआरटी है, फिर हमारा
सर्कल का T20 क्वेश्चन चला है। तो ये सारे इतने इंपोर्टेंट है, सारे हमारे थंबनेल है, हमारे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट भी देखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसमें पेपर से लेकर हर एक बात होगी, हर एक क्वेश्चन होगा, हर एक को हमारा कॉन्सेप्ट होगा जिसको क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो आओ भाई हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द ओमी सर। चलिए भाई साइंस को फन वे में लेके चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर का क्या नाम होने वाला है फिजिक्स में क्लास 10th का, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमारा चैप्टर का क्या होने वाला है, नाम होने वाला है। तो मुद्दे को भैया स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम है तो भाई इसी में आ जाता हूं। तो हम इसी में बात करेंगे, सबसे पहले हम लाइट के बारे में जानेंगे इस चैप्टर को तोड़ता हूं, दूसरा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और थर्ड में हम लास्ट में क्या पढ़ेंगे इसका, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, अपना लाइट। व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? तो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है विच कैन हेल्प टू सी द एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्या आते हैं मेन मेन पॉइंट पे आते हैं भैया, मेन मेन पॉइंट ये है कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल टू अस टू सी। ये क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और लाइट मेक शैडो। लाइट क्या बनाता है भैया, शैडो, परछाई बनाता है। विदाउट लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल, विदाउट लाइट का सब पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट, लाइट हैज द मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड हो किसके पास है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको वैल्यू किसे दिखाते हैं, सी से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं भाई हम लोग। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है भाई, कमिंग बैक ऑफ लाइट रे द सेम मीडियम। ठीक है भैया, लाइट का क्या हो जाना, एक ऐसा फिनोमेना, लाइट का बाउंस बैक हो जाना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है सर, बिल्कुल इजी है। तो फिर वहीं से हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो पेपर के लिए खासा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10th में इसका पूछ लेते हैं। तो कहता है पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एंगल आर होता है। बिल्कुल सही है सर। दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रे ये जो आ रहा है ऐसे क्या हो जा रहा है, वापिस हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो गया हमारा। जहां पे टकराता है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है सर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ये जो एंगल आ रहा है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये एंगल जो जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है। हाँ जी, बात क्लियर है सर, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई और आर आपस में इक्वल होते हैं, दूसरा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन होता है। ठीक है सर, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड्स के पास। तो अगला स्लाइड पे आते हैं भैया, टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स भैया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज आर इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट क्या है, अ रियल इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर के द्वारा बनता है, और एक इसके द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के द्वारा बनता है। बात क्लियर है, चलो सर। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर आर द फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, ये किसके ऊपर बनता है, स्क्रीन के ऊपर बनता है, और ये स्क्रीन के ऊपर नहीं बनता है, वर्चुअल होता है इसलिए। चौथा कहानी क्या है, दीज आर द फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे, जब दो रे आपस में ऐसा आके इंटरसेक्ट करेगा तब जाके हमारा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और अगला, दीज आर द फॉर्म ड्यू टू द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे, ये भैया दो ऐसे इमेजिनरी लाइन आके इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, या सिंपल भाषा में जो मिरर पे इमेज बनता है उसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। जो मिरर पे इमेज नहीं बनता उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। जैसे जैसे हमने वो देखा है थाली में, स्टील के थाली में अपने आप को देख करेंगे तो क्या वो मिरर है, नहीं है, लेकिन हमारा हमारा चेहरा उसके अंदर भी दिखाई दे जाता है, ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे एग्जांपल ले रहा है भैया, एग्जाम्पल देखो, ये भैया कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर है, इसमें देखो चीजें क्या दिखाई दे रही है, उल्टा दिखाई दे रही है, ये वर्चुअल हो गया। अरे भैया रियल हो गया, अरे क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। एग्जाम्पल है उसके, मतलब मिरर के अंदर देखना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मिरर के ऊपर। हमने तो पढ़ लिया रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, वैसे ही क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर की कहानी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में तो सबसे पहला भैया, चीख चीख के बच्चा कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है स्पीकर लेके, कि प्लेन मिरर क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट
और इमेज दोनों कैसे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर की कहानी में, ठीक है भाई। चलो, इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर इमेज रियल है तो इमेज पक्का है, क्या बनाएगा वो, वर्चुअल इमेज ही बनाता है, ठीक है सर। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस भी सेम और हाइट भी सेम पे बनाता है, कौन हमारा, प्लेन मिरर की कहानी। आ जाओ, एग्जैक्ट कुछ एग्जाम्पल है। प्लेन मिरर में देखो भैया कहाँ है कहानी, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वर्चुअल तो बनाता है लेकिन साथ में लेटरल इन्वर्जन बनाता है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये इमेज दिखाता है, ठीक है कहानी। तो लेटरल इन्वर्स क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर्सन, लेफ्ट साइड द इमेज, वाई वर्सा। जैसे राइट हैंड उठाया हुआ है बंदा, इसको क्या सीशन दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड उठाते हुए नजर आएगा। जैसे एम्बुलेंस में हमेशा कैसा लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, पागल थोड़ी ना उल्टा लिख देंगे, उल्टा इसलिए रखा था ताकि हम गाड़ी के साइड मिरर में जब देखें तो कैसा दिखे, बिल्कुल सीधा दिख जाए, सीधा दिख जाए। उसके लिए हम रास्ता क्या कर देंगे, जल्दी छोड़ देंगे, खाली कर देंगे, ताकि वो भैया उसको इमरजेंसी हो जल्दी चला जाए। इसीलिए एम्बुलेंस कहाँ लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है सर। अगला स्लाइड में क्या लेकर आयो सर, ये रहा, जैसे ये देखो भाई बोला था ना, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेता हूं 10 मीटर था, तो भैया यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 10 मीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और ये भैया हमारे कैसा काम कर रहे हैं, इमेज की तरह। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों क्या है, जुड़वा है, योर ट्विन है, लेकिन एक्चुअली में ये इसका इमेज है, सेम डिस्टेंस पे और सेम हाइट पे। अगर ये 5 फीट का है ना बंदा, तो इसमें भी कितने फीट का रहेगा, 5 ही फीट का रहने वाला है। चलो भाई बात समझ गए होंगे कहानी। जैसे मोमबत्ती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या लिया हूं, मोमबत्ती है, जितना बड़ा इसका साइज है उतना बड़ा इसका क्या है, इमेज का भी साइज है। जितने डिस्टेंस पे बनाएगा उतने ही डिस्टेंस पर यह भी बनाएगा। बात क्लियर, अंडरस्टूड। चलो भाई अब बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्लाइड क्या होने वाला भैया अगला, यूजेस, कहां कहां इसके क्या है यूज है। तो ये भैया कहां है, लुकिंग मिरर में देखना, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इन सब में क्या है भैया, इनके यूजेस है, ठीक है सर। अगला अब आते हैं प्लेन मिरर पे, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। दो टाइप्स के मिरर होते हैं, एक तो प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हम पढ़ चुके हैं, हम किसके ऊपर आते हैं, स्फेरिकल मिरर के ऊपर आते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, भी आगे पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक स्फेयर होता है, उसको यहां से हिस्से से ऐसे क्या कर देते हैं, काट के निकाल लेते हैं। अब इसके कुछ क्या है, अपने अपने नाम है, तो आओ इसके बारे में हम आगे स्लाइड में जानते हैं। हमें मेन मुद्दा था क्या, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेयर होता है, उसको यहां से ऐसे क्या कर देते हैं, काट कर निकाल लेते हैं। अब उसको दोनों साइड पॉलिश वॉलिश करेंगे तो देखो क्या काम और क्या धमाल मचाता है ये स्लाइड। तो भैया हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर ऐसे स्फेयर शेप का होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका रेडियस होगा। तो उसके बारे में जान लेते हैं एक आध दो बात। सबसे पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पूरे का, सर्कल का, स्फेयर का क्या भैया, हमारा सेंटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। जहां पे पॉइंट कट कर रहा ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम पोल कहते हैं। और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस कहते हैं, पी और सी के बीच का डिस्टेंस। ये सब आपके बात तो पता होगी भैया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया, इमेजिनरी होता है भैया, इसको एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया जाएगा, इसका जहां सेंटर पाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है सर। आगे पोल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सरफेस। हाँ भैया, पोल क्या है भैया, इस रिफ्रेक्टिंग सरफेस का क्या है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है सर, पोल हो गया। ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कि इमेजिनरी लाइन होता है जो पोल, फोकस और सेंटर से क्या होता है, पास होकर निकलता है, ठीक है सर। फोकस क्या होता है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या भैया, हाफ कर दिया जाएगा, क्या मिल जाएगा हमारा, फोकस मिल जाएगा। अपर्चर क्या, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस मिरर का भैया क्या डायमीटर, ये हमारा क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारा, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है सर। ये पहले से हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि वन शॉट होने वाला है और वो भी पूरा मैराथन होने वाला, पूरा फिजिक्स। अगर छोटी छोटी बातें के ऊपर एनालाइज करने लग जाएंगे तो लग जाएगा एक हफ्ता ऐसे टाइम वेस्ट कर करके। चलो भाई, ये बंदा चीख चीख के कह रहा है, क्या कह रहा है कि फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, क्या कह रहा है, फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना कि जो हमारा फोकस होता है रेडियस के क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है भाई, ठीक है सर। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लेफ्ट साइड में भैया हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर के बारे में, अब पढ़ेंगे उसके कितने पार्ट होते हैं। तो दो पार्ट हो सकता है, कौन सा, एक तो हो सकता है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, ठीक है सर।
तो भैया कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, तो कॉनकेव मिरर हमारा ऐसे बनता है, ये पी हो गया और ये क्या हो गया एफ हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। कॉन्वेक्स मिरर सर कैसे बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा बनता है, ये पी हो गया ये एफ हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, ये हम वाला हिस्से को क्या बोलते हैं पॉलिश्ड, पॉलिश वाला है, और ये क्या इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है सर, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो बाहर की तरफ निकला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा है ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा निकला हुआ है अंदर की तरफ निकला हुआ है। तो एक सेकंड भैया देना मुझे जरा सा, नो 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 नो, अभी आप लोगों को हम एक चीज दिखाते हैं, चीज दिखाते हैं आप लोगों के लिए, हम चीज लेकर आए हुए हैं। ये रहा भाई लोग, ये रहा आ गया। खोल देना सर सब एक बार। ठीक है भाई, ये रहा हो, ये कौन सा मिरर है, देखिए एक साइड से क्या है पॉलिश और एक साइड जिधर से हम चेहरा देखेंगे, जिधर से हम चेहरा देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ठीक है, तो भैया ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये पॉलिश वाला ऐसे होगा, ये कौन सा है कॉनकेव मिरर, हाँ ये कौन सा मिरर है कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है अंदर की तरफ होता है। देखो ये कहानी है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो पॉलिश इसको क्या बोलेंगे भैया हम क्या बोलेंगे पॉलिश सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अंदर की तरफ है, कहाँ ये देखो अंदर धसा हुआ है ऐसे करके, देखो गड्ढा बना हुआ है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ बना हुआ है, तो जो अंदर की तरफ होता है कौन होता है कॉनकेव होता है, और इसी का जस्ट ऐसे उल्टा कर दिया जाए इधर की तरफ तो कौन सा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब सर इसका जो सरफेस है वो अंदर की तरफ होता है, और इसका इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा है बाहर की तरफ होता है। ठीक है सर, तो ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। चलो भाई टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, अब बनाएंगे हम अपना जादुई खेल। क्या है सर जादुई खेल का मतलब, जादुई खेल का मतलब डायग्राम बनाना। तो भैया रे ऑप्टिक्स, जैसे भैया मिरर के अंदर देख रहा है, कह रहा मैं तो भैया पतला लग रहा हूँ, कोई कह रहा मोटा लग रहा हूँ, क्या लग रहा है भगवान जाने। आओ भैया हम रे ऑप्टिक्स बनाते हैं, रे डायग्राम पढ़ाते हैं, रे डायग्राम हम पढ़ाते हैं, आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं मुद्दा। कुछ रूल है, कुछ रूल है उसको हम जान लेते हैं। पहला रूल क्या है भैया, पहली बात इसके अंदर सर कितने रूल है, तो सर रूल तीन ही होते हैं, बाकी तो सब उसी का जुड़वा और भाई होते हैं। जैसे तीन ही क्यों सर, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा बनता है, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया हमारा एफ, और ये क्या हो गया हमारा सी हो गया। ठीक है भाई, पी एफ सी हो गया। तो अब भाई कहानी क्या है, तीन नाम है तो रूल भी कितना होगा, तीन होगा सर। पहला रूल, चलो भैया हम फोकस वाले को ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहला रूल हम जरा फोकस वाले को देखें, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल आता है तो हमेशा कहां से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। बात समझे, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो लाइन कहां से पास हो जाएगा भैया, फोकस से पास हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। दूसरा रूल क्या कहता है, अरे दूसरा रूल कुछ नहीं है, यही पहला रूल है, बेवकूफ बना रहा है। कैसे सर, कैसे बेवकूफ बना रहा है, तो जरा देखो कि क्या होगा, फोकस से अगर हम लाइन पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे बात वही तो है, अगर पैरेलल लाइन आ रहा है फोकस से जा रहा है तो फोकस से जाने वाली लाइन कहां चली जाएगी, बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। हां जी सर बिल्कुल, ये पहला ही रूल है। चलो भाई अगला दूसरा रूल देखते हैं, हमारा एफ का कहानी तो हो चुका, किसकी कहानी सी का कहानी, फिर ऐसे किसकी कहानी पी की कहानी। तो कहानी क्या है सर, कुछ ऐसा है कि जब भी लाइट ऐसे सी से पास होगा, ऐसे इंसिडेंट होगा, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके कहां चला जाएगा, वापस चला जाएगा। अब भेज दोगे तब भी ये रिफ्लेक्ट होके अपने पाथ को क्या कर लेगा, सेम पाथ को वापस लौट आएगा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाएगा, इसको हम सी से बोलते हैं। ठीक है सर, दोनों रूल हो गए हमारे। तीसरे रूल की तरफ आते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल हमारा कहता है कि द इंसिडेंट रे, भाई पी वाला रह गया, एफ की और सी की कहानी हो गया, तो ऐसे जाएगा और ऐसे ही कहां आ जाएगा, वापस आ जाएगा, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट से और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस से चला जाएगा। इसको मैं बोलता हूं प्यार से कौए का चोच। पी जो है, पी मतलब पैरट, पैरा मतलब कौआ, मान लो ना उड़ने वाला पंछी, तो ऐसे कौए के चोच की तरह क्या आ जाएगा, वापिस आ जाता है। तो तीन लॉ है बेसिक से, तीनों को हमने रूल को पढ़ लिया। चलो भाई इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना रे डायग्राम।
कॉनकेव मिरर का हम पढ़ाने जा रहे हैं रे डायग्राम। बता दिया, कॉनकेव मिरर का हम पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। बीच में एकदम गड्ढा रहता है, बात को समझना। बीच में बिल्कुल क्या होता है, एकदम गड्ढा सा बना रहता है। ठीक है, देख लो, ये पॉलिस सरफेस और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे चेहरा देखते हैं। ठीक है सर, आओ पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर को। तो आओ भैया, ट्रायल हमसे ही हो जाए। नहीं, आओ भाई, मैं देखो क्या ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल सा बना के लेकर आया हूं। क्या है, थोड़ा देखना, फील करना, इसको भी हम समझाएंगे। क्या है भैया, ये मैं ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे चुपचाप शांति से खड़ा हुआ हूं। लो, मैं ही दिख रहा हूं। क्या देख रहा, मिलाना मिलाना मिलाना। हाँ जी सर, आप ही हो। ठीक है, तो कहानी क्या है कि मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा हूं, एक क्या बनकर, ऑब्जेक्ट बनकर, किसके सामने? कॉनकेव मिरर के सामने। तो कॉनकेव मिरर ने क्या किया, मेरा साइज में इतना सा था, इतना बड़ा साइज बना के दे दिया। ये क्या हो गया, इमेज बना दिया। और कैसा इमेज बना रहा है, देखो मेरा मुंडी ऊपर है, मुंडी ऊपर है, तो कैसा इमेज बना दिया, क्या बोलते हैं, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बना दिया। और इरेक्ट का मतलब कौन सा केस है भैया, वर्चुअल बना दिया। क्या बना दिया, क्योंकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनाता है, तो वर्चुअल इमेज, ये केवल वर्चुअल हो सकता है। इमेज पे फॉर्म हमारा इस मिरर के ऊपर फॉर्म नहीं हो रहा, मिरर का कहां बन रहा, पीछे बन रहा है। अभी जानेंगे क्यों और कैसे। मैं आपको एक डेमो दे दिया हूं कि मैं अब ऑब्जेक्ट हर जगह अब अपने आप को थोड़ी ना दिखाऊंगा, अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे दूसरा वे में। अब भाई इसके छह डायग्राम में देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहला, सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट पे, तो ये रह गया, ये मैं हूं, सपोज कर लो। सपोज कर लो कौन सा हूं, मैं हूं ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे एक एरो से दिखा दिया हूं। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम ए और बी है, ऐसे पैरेलल भाई भेज रहे हैं, पैरेलल तो कहां से निकलेगा भैया, फोकस से। फिर ऐसे पैरेलल भेजा, कहां से निकलेगा, फोकस से। फोकस पे क्या हो गया भैया, मीट हो गया। तीन बातें लिखते हैं, पोजीशन, नेचर और साइज। तो पोजीशन क्या है भैया, एफ पर बना रहा है, और कैसा बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, और भैया कैसा बनाएगा, वेरी स्मॉल, लगभग पॉइंट साइज का बनाएगा। ठीक है सर, पहला हो चुका। दूसरा इमेज, जब इमेज कहां हो जाए, बियॉन्ड सी हो जाए, कहां हो जाए, बियॉन्ड सी हो जाए। ठीक है भाई, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए। तो पहला इमेज बिल्कुल ऐसे जाएगा, कहां से निकलेगा, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दो, यहां दोनों क्या करेंगे, कट करेंगे, उल्टा बना दो, ए ऊपर था तो ए नीचे, बी ऊपर था तो बी डैश ऊपर आ जाएगा। ठीक है कहानी, इसका तीन बातें, पोजीशन, नेचर और साइज। तो पोजीशन क्या है, एफ और सी के बीच में बना रहा है, और भैया स्मॉल साइज का बना रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है। तो ये दो डायग्राम हमारे हो चुके। तीसरा डायग्राम क्या है भैया, कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेम पे रखा रहता, तो पहला रे ऐसे भेजेंगे, फोकस से निकल गया, दूसरा एफ से भेजेंगे, पैरेलल हो गया, यहाँ पे दोनों क्या हो गए, कैंस कट आउट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सी पे था, सी पे ही बन गया, और कैसे साइज का बन गया, सेम साइज का बन गया। कैसा बन गया भैया, सेम साइज का बन गया। ठीक है भाई, सेम साइज का बन गया, सी पे ही बन गया, और रियल और इन्वर्टेड बन गया। हमारा तीसरा भी ग्राफ हो चुका, लाइन हो चुका। चौथा भैया कहाँ पे, जब सी और एफ के बीच में हो, जब किसके बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो इनके बीच में होगा, तो वही पहला ब्रह्मा का लकीर कहां से निकल कर जाएगा, फोकस से, और दूसरा कहां से निकल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहीं कैंसल आउट करेगा, बियॉन्ड सी। तो भैया क्या होगा, बियॉन्ड सी होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, बिग साइज का होगा। ठीक है सर, चौथा पॉइंट भी हमारा हो चुका। अगला बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ। एक सेकंड में पानी पी लिया जाए। चलो भाई, हाँ स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपने पांचवे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहां रखना है भैया, एफ पर। कहां पर रखना है, एफ पर रखा है, तो पहला लाइन कहां जाएगा, बिल्कुल ऐसे पैरेलल, तो कहां चला जाएगा, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देता हूं, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, मिलाते रहो पता नहीं कहां मिलेगा, विदेश में, यानी इनफाइनाइट बना रहा है। क्या बना रहा है, इनफाइनाइट। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा, वेरी बिग साइज होगा। ठीक है भाई, चलो भाई, छठे क्वेश्चन पे आते हैं भैया। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड पोल, लास्ट केस हमारा, जब इन दोनों के कहां पे हो, बीच में हो, तो बीच में होगा भैया, पहला रखेंगे ऐसे कौए की चोंच, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर,
भैया आगे कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका बैक ट्रेस करेंगे ऐसे डॉटेड लाइन से। कहां बना रहा है? मिरर के पीछे बना रहा है, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसा होगा? बिग साइज होगा। यही तो अपने आप वाला केस बनाया था लास्ट वाला, जब भी ऑब्जेक्ट इनके बीच में होगा तो लास्ट केस बनेगा, बिग साइज बनेगा और पोजिशन होगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अगला भाई, ये रहा इनका लेखा जोखा। क्या रहा भैया? इनका लेखा जोखा फोकस पे रहेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा, सी पर बियॉन्ड सी एट इनफाइनाइट बिहाइंड द मिरर। किसका है भैया? इमेज का। किसका है? ये इमेज का। और ये किसका है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैं इसका रामबाण बता देता हूं। डोंट वरी मिस्टर परफेक्ट इज हेयर। रामबाण क्या है सर? रामबाण क्या है? तो मैं इसको यहां बता देता हूं। रामबाण ऐसे बनाना है, कॉनकेव मिरर। हां जी सर, ऐसे बनाना है पी, ऐसे लिखना है एफ और ऐसे लिखना है सी। ठीक है सर, पहला इमेज पता नहीं इनफाइनाइट, चलो भाई पहला इनफाइनाइट, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा सी, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठा हमारा इन दोनों के बीच में, सातवां इस पर मत खड़ा हो जाना, पी पे खड़ा होकर क्या फायदा, उधर खड़ा होकर क्या फायदा। छह केस बनते हैं इसीलिए छह केस हो गया। पहला इमेज बनता है फोकस पे, दूसरा सी और एफ के बीच में, तीसरा सी पर, चौथा बियॉन्ड सी, पांचवा इनफाइनाइट पे, छठा तो हम और इधर बनाएंगे नहीं, तो छठा कहां बन जाता है? इधर बन जाता है। याद कर लो केस नंबर कौन सा, बस लगा दो कहानी खत्म। ठीक है, चलो भाई बाकी और भी फुल वीडियो चाहिए तो भैया हमारा उसके अंदर कमेंट में हम लिंक डाल देंगे, प्लीज जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा ही चीज है, उसके अंदर डिटेल में बताया गया, इतना फास्ट में नहीं बताया गया वहां पे चीजों को। मैं मान के चलता हूं कि आप यहां तक आए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत जरूर आता होगा। चलो भाई अब आते हैं कॉनकेव मिरर का यूज क्या है। कॉनकेव मिरर का यूज क्या है? तो कॉनकेव का दो काम है, एक काम है कि चीजों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है सर, और दूसरा काम होता है कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करके रखता है। लाइट को कैसा करता है? कन्वर्ज करके रखता है। तो भैया बड़ा करके कौन देखना चाहेगा? डेंटिस्ट क्या चाहेगा? दांतों को बड़ा करके देखना, उसको काम करना होता है उसके अंदर, तो देखो बड़ा करके देखना होता है उनको। दूसरा ये लाइट को इकट्ठा करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? सोलर फर्नेस की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, उससे हीट हम ले सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही झकास चल रहे हो आप, झकास तो हुई। दूसरा कैसा भैया? कॉनकेव मिरर की ही कहानी है, इन सब के अंदर यूज होता रहता है। अब किसकी कहानी? कॉनवेक्स मिरर की कहानी। चलो भाई आ गया फिर, मैं आ गया फिर ऑब्जेक्ट बनकर, चीजों को समझना है। ये मैं काम कर रहा हूं कैसा? ऑब्जेक्ट की तरह, और मेरा साइज देखो जस्ट लाइक अ हल्क, मोटा सा हूं नहीं असली में, रियलिटी में इतना मोटा। लाइट ऐसे रे निकल के गई, अब चलो हम सीखेंगे, लेकिन मेरा इमेज जो बनाया यार, छोटुआ बना दिया, बौना बना दिया, गिट्ठा बना दिया, इतना एक लंबे कद्दे इंसान को क्या बना दिया? गिट्ठा बना दिया। यानी हमें चीजों को पता चल रहा है कि स्मॉल साइज बना देता है, और देखो रे ऐसे निकल रहा है और क्या कर देता है? डाइवर्ज कर लेता है। इसकी दो कहानी है भैया, चीजों को छोटा बनाता है और लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। तो आओ भाई देखते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन। तो पहला कहां हो सकता है? इनफाइनाइट पर। चीख चीख के कह रहा है बंदा इनफाइनाइट पे, तो ऐसे पैरेलल ले जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगा? ये डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन यहां ऐसे डॉटेड बैक ट्रेस करेंगे तो कहां से निकलेगा? फोकस से। पैरेलल लाइन जा रहा, फोकस से पास होगा, डॉटेड से होगा। तो इमेज कहां बना रहा है? फोकस पे। नेचर वर्चुअल इफेक्ट बनाता ही है, साइज क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है सर, चलो भाई दूसरा इमेज यही वाला। अब भाई इस पी और भैया इनफाइनाइट के बीच की कहानी है। तो पहला रे कैसा निकल रहा है भैया? ऐसे पैरेलल मान लो निकल रहा है, तो बाउंस बैक है, वापिस चला जाएगा, तो कहां से निकलेगा? फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भगा देता हूं, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया? मैच हो गया। इतने बड़े चीज को इतना सा दिखा दिया, किसके बीच में? पी और एफ के बीच में। तो पी और एफ के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट, साइज कैसा होगा? स्मॉल साइज, केवल स्मॉल ही साइज बनाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उनका लेखा जोखा, दो ही तो कहानी है,
इनफाइनाइट फोकस पे, वेरी स्मॉल वर्चुअल इंटरैक्ट। भैया इनफाइनाइट और पोल के बीच में तो विटामिन पी और एफ के बीच में स्मॉल बनाएगा और कैसा बनाएगा, वर्चुअल। कहानी यह है कि ये कैसे बनाते हैं, स्मॉल बनाते हैं, ठीक है सर। चलो अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज। तो मस्त देखो, ऐसे देखो पार्किंग एरिया में ऐसा क्यों लगा रहता है भैया, ताकि ज्यादा एरिया एरिया क्या कर पाए, कवर कर पाए, हम ज्यादा बढ़िया से इसके अंदर देख पाए, ठीक है। साइड मिरर में भी यही कहानी होता है, साइड मिरर बनाते हैं ताकि छोटा छोटा चीजों को करके दिखाया, ज्यादा एरिया तक कवर हो पाए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। जैसे एग्जांपल देखो मॉल वॉल में भी जाके देखते हो ना, तो ऐसे छतों पर ऐसे कहां गया भाई, मॉल वॉल में जाते हैं तो देखा होगा ना, जैसे छतों पर ऐसे लगा रहता है, उसके अंदर पूरा भीड़ दिख जाता है उसके अंदर। अब भैया साइड मिरर में तो लगा ही रहता है चीज, ठीक है भाई। आ जाओ साइन कन्वेंशन, भाई सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अरे भैया मिरर के इधर ही खड़ा रहोगे तभी तो देखोगे, उसके साइड खड़े हो जाओगे पेंटिंग वाले साइड की तरफ तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है सर। पहला हो गया। दूसरा ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल। सारा का सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होगा, पोल से। मान लो ये मिरर है, ये पी है, ये एफ है और ये क्या है सी है, तो यही कहानी क्या है, पोल है। और वो भी डिस्टेंस कैसा लेना, बिल्कुल इसके पैरेलल आड़े तेड़े डिस्टेंस नहीं लेना, बिल्कुल ऐसे पैरेलल कोई सा भी, यानी कि ऐसे नाप लो कहानी डायगोनल में नहीं, बिल्कुल पैरेलल की कहानी चलेगी, प्रिंसिपल के पैरेलल होनी चाहिए और पोल से होना चाहिए, कहां से, पोल से। तीसरा पोल इज ओरिजिन, पोल को हम क्या मान के चलेंगे कि हमारा ओरिजिन है, तो इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव और इस साइड जाएंगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या मान के चलेंगे, हमारा एक्स एक्सिस मानकर चलेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक अ वेव। हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करने में, आगे भेजने में, फॉरवर्ड करने में, ठीक है भाई, आपका कुछ नहीं जाता, हमारा फायदा होगा ये कि हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, हर और भी ऐसे प्यारे प्यारे पीपीटी आपके लिए बना बना कर लाते रहेंगे, ताकि कई बच्चों का क्या हो, फायदा हो और हमें थोड़ा क्या मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इन सब के पीछे काम करने में। चलो भाई आओ स्टार्ट करते हैं साइन करो, सबको पता है भैया हम इसको एक्स एक्सिस मान के चलेंगे, बहुत पहले ही बोल रहे हैं, और इसको हम क्या मान के चलेंगे भैया, ओरिजिन मान के चलेंगे, तो ओरिजिन तो 0.0 होता है, सबको पता है। इधर चलेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव। जब ऊपर जाते हैं तो वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस क्या होगा भैया, नेगेटिव होता है। बात समझ गए, बात समझ गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। एक आध दो बातें हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा यू से और ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर का होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अपने दिमाग में एकदम फिट कर लिया जाए, चीखने वाला बंदा इसमें नहीं है क्या भाई, लो मैं ही बना देता हूं, चीख चीख के बात कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, चीख चीख के बात कर रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि भैया फोकस कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। चलो अगला आते हैं, फिर आ गया ये बंदा चीखने वाला, कह रहा फॉर्मूला पढ़ पढ़ जल्दी फॉर्मूला, तो हम किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला, कि 1/f = 1/v + 1/u होता है, जहां सबको पता है f हमारा फोकल होता है, v हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, u क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, अगला आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यही बताता है, सिर्फ यही बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है, जो इमेज बन रहा है, वो छोटा बना रहा है कि बड़ा बना रहा है, यानी साइज से डील करता है, छोटा बना रहा है कि बड़ा बना रहा है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन को एम से, मैग्निफिकेशन को किससे दिखाते हैं, एम से, इसका फॉर्मूला था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा निकल कर फॉर्मूला आता है, या दूसरे भाषा में माइनस वी अपॉन में क्या होता है, यू होता है। अरे भाई मैं बता दू चीख चीख के कि यूनिट लेस होता है, क्या होता है, यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं है, बस साइज बताता है बड़ा है कि छोटा है, कितना गुना वो देख लेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई एक आध दो बातें, अगर एम नेगेटिव आता है तो भैया रियल और इन्वर्टेड है, अगर एम पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बात दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये बंदा चीख चीख के और हंस के भी बोल रहा है इस बार तो, या वही ये बंदा, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आ गया ब्रह्म ज्ञान,
ज्ञान का पिटारा, MR स्टार, ठीक है भाई, सब यही है जो हमने पढ़ा ना। इस स्लाइड में आपके लिए मस्त चीजों को लेकर आ गया हूं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो भैया स्फेरिकल मिरर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता रहा हूं, ये मिरर के बारे में बता रहा हूं। मिरर में सबसे पहले चलो भाई बनाते हैं, चलो चलो इसी का देख लेते हैं, क्या है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज का फॉर्मेशन यूज बताना है और रे डायग्राम बनाना है। तो इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स का तो ये रखा, और भैया और कहा है रे डायग्राम हमारा ऐसे बना के हमने दिखाया, और यूजेस कहा होता है रियर व्यू मिरर के अंदर होता, और ये इसकी डायग्राम है कहानी, ठीक है सर, ये हो गया। अब यहां से हम आते हैं कौन से मिरर पे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के अंदर सेम वही इमेज का फॉर्मेशन, इसके यूजेस और रे डायग्राम। तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम की कहानी, ठीक है सर, ये हो गया हमारा पूरे इमेज की कहानी जो हमने बनाया था, ठीक है सर। यूजेस का है टॉर्च और सर्च लाइट के अंदर, और ये हो गया उसका डायग्राम, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आते हैं यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा है, वन बाई बी इक्वल टू बी, और ये इसके सारे हो गए हमारा नामकरण। फिर यहां से आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भैया ये हमने क्या देखा था कि भैया दो एंगल होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और उसके बाद ये सब कहानी, ठीक है सर। और क्या है सर, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन बता दिया था, पी होता है इधर जाने वाला नेगेटिव, उधर जाने वाला पॉजिटिव, ऊपर रहने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव होता है, तो यहाँ दोनों का साइन कन्वेंशन यहाँ पे बताया हुआ है। लास्ट में क्या बच गया हमारा, पावर और मैग्निफिकेशन। तो पावर होता है रेसिप्रोकल का आधा, और भैया मैग्निफिकेशन क्या होता है, कहानी हमने पढ़ी लिया, मैग्निफिकेशन जो होता है होता है एच डैश अपॉन में एच होता है, या मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन में यू होता है, ठीक है। तो एक बार इन चीजों को मैं मिटा देता हूं, ताकि एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लो और इस बात को समझ गए मिरर की कहानी को, ठीक है। तो एक बार मैं इन सब चीजों को मिटा देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी भैया हमारे साइट से या टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे आपको ये सारा PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है सर, हो गया। ये केवल स्फेरिकल मिरर की कहानी है। अब अगला आ जाते हैं भैया किसकी कहानी पर, रिफ्रैक्शन की कहानी पर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है। तो भैया क्या होता है, रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, बाउंस बैक ऑफ लाइट, लाइट का क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, और रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, ठीक है सर, बाउंस बैक का प्रोसेस है, और ये रास्ता चेंज करने का प्रोसेस है, ठीक है सब कहानी। या दूसरा इसके अंदर लिख सकते हो वेलोसिटी में, एक में वेलोसिटी क्या हो जाता है, इसके अंदर चेंज नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज होता है। सपोज के लिए बॉल ले लो, इस बॉल को जितना तेज मैं दीवार पे मारूंगा ये बॉल उतना ही तेज क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। इस फिनोमेना को बाउंस बैक बोला जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जितना तेज जाएगा उतना ही तेज वापिस आ जाएगा, यानी कि इसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर वही रिफ्लेक्शन है, अगर इस बॉल को शीशे पर चला के मारता हूं, बॉल इस रूम से दूसरे रूम में चला जाएगा शीशा तोड़ते हुए, तो इस बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज, तो इसका स्पीड कम हो जाता है, इसका स्पीड कम नहीं होता है। चलो भाई ठीक है सर, बाकी तो और पढ़ा ही है कि ये मिरर के अंदर होता है, और किसके अंदर होता है, लेंस के अंदर होता है। इसके अंदर एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर होता है, लेकिन इसके अंदर एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर हर टाइम नहीं होता है, ठीक है सर। चलो बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसके ऊपर, हाँ भाई सबको बच्चे बच्चे को चप्पे चप्पे पर नजर रहती है इनकी। क्या कहानी है, जब भी लाइट एयर से कहां जाए, वाटर या डेंसर एयर को क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाता है तो भैया क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, जब भी डेंसर से रेयरर जाता है तो उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाता है। ये सेम बात यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिखा हूं, पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी तो सबको कहानी पता ही होगा। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा देखो गजब का फिनोमेना हमारा रिफ्रैक्शन, गजब का ही फिनोमेना। देखो ना
लाइट ये देखो सीधा चलने के बाद अपना रास्ता ही भूल गया, अपना पाते ही भूल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। फिर जब बाहर निकला कह रहे ना 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 यार, मैं अपने रास्ते को क्या रखता हूँ, वही रखता हूँ। इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अभी आगे पढ़ेंगे भी प्रिज्म के बारे में। एक कभी ऐसा ग्लास लग के देखना, पानी रख के पेंसिल, उबड़ा खाबड़ दिखाई देगा ऊपर और नीचे। सब किस फिनोमेना के ऊपर हो रहा है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के ऊपर हो रहा है। ठीक है, आ जाओ भैया वही प्रिज्म वाला, तो मैं भी आपके लिए लेकर आया हूं भाई मस्त एक प्रिज्म। दिख रहा है क्या, ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा होगा क्या, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा ग्लास स्लैब है, ये रहा ग्लास स्लैब। तो जब लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ तो हम यहां क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये भैया ये सीधा चलने के बजाय ये अपना रास्ता भूल गया, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता तो अपना पाथ भटक जाता है। तो ये मुड़ गया और ऊपर रेरर था, टेंसर था, तो इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो गया। फिर यहाँ पे गजनी का इंसिडेंट हुआ, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इस बार रेंसर से रेरर जा रहा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया ई, ध्यान से देखना, इसको बोल दिया आई। आई मतलब एंटर कर रहा है इंसिडेंट रे, और ई मतलब इमर्जेंट एंगल, कितने एंगल से बाहर निकल रहा है। ये भैया ये ऐसे बाहर निकला और एक्चुअली में इसको इधर जाना चाहिए था, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, बात समझ लेना भाई कहानी, डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होता है, लाइट बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो बेंड हो गया, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, को क्या बोलते हैं, हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसे इस वाले एंगल से दिखाते हैं, डेल्टा एंगल बोलते हैं। डेल्टा थीटा होता है, वैसे कहानी इसको डेल्टा से दिखाते हैं। ये सिंबल होता है, सिंबल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला आई टू इंसिडेंट हो गया, और ये आर टू के बराबर हो गया। तो वही बोल रहा है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये भी भैया एंगल आई इज इक्वल टू में एंगल ई होता है, जितना जितना एंगल से एंटर करेगा उतने एंगल से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, हो चुका। चलो भाई अगला स्लाइड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, एंगल आई इक्वल में एंगल आई था, एंगल आर था, इसके एंगल ऐसा नहीं होगा क्योंकि एंगल भी चेंज हो जाता है और वेलोसिटी भी चेंज होता है, इसीलिए इसको दो लॉ बनाने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी। तो एक को हम बोलते हैं भैया स्नेल्स लॉ, जो सिर्फ डील करता है किससे, एंगल से। अभी एक और आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डील करता है किससे, वेलोसिटी से। और इन दोनों के बीच का अपन का रिलेशन भी होता है कि म्यूज इक्वल टू में होता है साइन आई अपॉन में साइन आर, और म्यूज इक्वल टू में सी वाई बी भी होता है। फॉर्मूला आ गया, हमारा रिलेशन हो गया। आप लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा कि साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट होता है। और बाद में एक और टर्म पढ़ा कि म्यूज इक्वल टू में क्या होता है, सी वाई बी हमारा होता है। चलो भाई, तो भैया ये दोनों, ये जो म्यू है जो कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कोई मीडियम कितना डेंसर और कितना रेयरर है, और वहीं से पता चलेगा कि वेलोसिटी तेज है कि उसका स्लो है, स्लो है या फास्ट है। ठीक है सर, चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते इन सब चीजों पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया मैंने कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सी वाई क्या होता है, वी होता है। अगर वैक्यूम की बात करूं तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, वन होती है एयर के लिए, वाटर के लिए, ऐसे सबकी वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। ग्लास के लिए 1.33 शायद या 5 होता है, और इसका 1.33 होता है, और भैया डायमंड के लिए 2.42 या 5 होता है। ठीक है भाई, कहानी सब कुछ वही है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का किसके रिस्पेक्ट में, सेकंड के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट सेकंड का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, बात समझ रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होता है। चलो भाई कहानी आगे बढ़ाते हैं, कहानी देखना भैया। अगर ये है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखते हैं। अगर म्यू टू से वन लिखा तो इसको लिखूंगा म्यू वन अपॉन में म्यू टू लिखूंगा, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखूंगा, बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो और समझ में आएगा। तो हमने रिफ्रैक्शन से क्या सीखा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और उसका एंगल भी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी चेंज हो जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे,
ठीक है, एंगल चेंज हो जाएगा तो स्नेल लॉस लगाकर उसको सोल्व कर देंगे। अब हमने क्या देखा, इससे हम क्या चीजें बनाए, इसके हम क्या बनाएंगे, अपना क्या बनाएंगे, लेंस, क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। तो लेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन, मतलब हमने लेंस तो दो ही पढ़ा है ना भाई कहानी, एक तो कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉनकेव होता है। यही हमने दो लेंस पता है, लेकिन अगर ऐसा हो और ऐसा हो, ऐसा मतलब इसे तोड़ दो, तो प्लानो कॉन्वेक्स और प्लानो कॉनकेव होता है। लेकिन ये सब चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में दो ही चीज है, क्या क्या, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होता है। बात समझ रहे हो, बाकी अगर इसी का आधा आधा कर दिया जाएगा तो उसको प्लानो के नाम से बोल देंगे, प्लानो कॉनकेव प्लानो कॉन्वेक्स, ये क्या होते हैं, आधे आधे होते हैं, ऐसे ऐसे आधे आधे होते हैं। बात समझ रहे हो, इसको प्लानो बोलते हैं। और हमारे सिलेबस में हाउएवर वी विल डिस्कस ओनली डबल स्फेरिकल लेंस हेयर, कौन सा डबल स्फेरिकल लेंस में, वो भी कौन सा, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात होगी। तो मैं भी एक लेंस लेकर आया हूं, अभी बात करते हैं, दो सेकेंड में रुक के आ जाओ भाई। ये रहा स्फेरिकल लेंस में दो टाइप्स के, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता है। तो भैया साफ साफ दिख रहा है, ये बीच में मोटा और साइड से क्या है, कॉर्नर से पतला है, और ये बीच में ही क्या है, गजनी का पतला है, और कॉर्नर पे क्या है, ये मोटा है। तो हम भी लेके दिखाते हैं, आई होप आप लोगों को ये दिख जाए, चेहरा ये किनारों से जो साइड से है क्या है, बिल्कुल पतला है, और बीच में क्या है, मोटा। देखो इसमें मेरी आंखें दिख रही होंगी काफी बड़ी बड़ी, मुझे तो इसमें मेरा कैमरा बहुत बड़ा दिख रहा है, आप लोगों को भी देखो मेरा मुंह सब क्या दिख रहा होगा, बिल्कुल बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है। देखो मेरी आंखें एकदम झकास दिख रही होगी बड़ी बड़ी, ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। देखो ये दिख रहा होगा कैमरे में, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, बीच में बिल्कुल क्या है, ये बीच में मोटा है और किनारों से पतला है, और ये हमारा हो गया हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉनकेव लेंस। ये बीच में बिल्कुल क्या है, मैं फील कर पा रहा हूं, बीच में बिल्कुल पतला है और किनारों से क्या है, मोटा है, बीच में पतला है और किनारों से मोटा है। तो इसमें देखो मेरी आंखें इसमें देखोगे तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, छोटा दिखाई देगा, बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, छोटा दिखाई दे रहा होगा। इसका अक्षर अगर तुम देखोगे तो बिल्कुल कैसा दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा दिखता है, यानी ये वाला स्मॉल इमेज बनाता है और ये वाला लार्ज इमेज बनाता है। बात समझ लेना भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना तो पढ़ के आए होंगे। ये रहा भैया कहानी, ये बनता कैसे है, एक स्फेयर का ऐसा ले लो, दूसरा ऐसा ले लो, इसको जो कटा हुआ हिस्सा, इसी को हम क्या बोल दिए, कॉन्वेक्स। तो ये होता है, देखना भाई ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे लेंस, ये वाला हमने पहला बनाया था, पहला सर्कल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी वन, ये हमने दूसरा बनाया तो हो गया हमारा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कहानी है ऐसे, ये भैया हाँ हाँ ठीक है, ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला लाइट पहले आके इससे टकराएगी तो हम इसका नाम देंगे पहला, बाकी तो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी हो नाम दे दो, ये पहला और ये क्या हो जाएगा, दूसरा। सही बोल रहा हूं, लाइट पहले इससे आके टकराएगा तो इसका क्या नाम दे दूंगा, सी वन सेंटर। तुम कुछ भी नाम दे दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, वो तो हम अपना साइन कन्वर्जन आगे भी सीखने वाले हैं। और इधर ये बाद में आके टकराएगा लाइट, तो हमने इसका नाम दे दिया अपना सी टू। ऐसे ही कहानी कुछ ऐसा है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इनके भी आपस में क्या है, कुछ डेफिनेशन है, सेम वही मिरर वाला केस। तुम इसमें ज्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, एक बार देख लो खटखट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ये भी देख लो भाई, सेम वही कहानी है। ये लाइट को क्या करता है भैया, कन्वर्ज करता है, और ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। सेम उल्टा प्रॉपर्टी होता है मिरर की तरफ, देख लो भाई खटखट देख लो। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं कुछ रूल। क्या आते हैं, कुछ रूल। तो कुछ रूल नहीं है, सेम वही मिरर वाला ही रूल है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाता है तो कहां से निकल जाएगा, फोकस से। जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन कोई पैरेलल जाता है, ये डाइवर्ज हो गया तो इसको भाई बैक ट्रेस करूंगा तो कहां से निकल कर आएगा, फोकस से निकल कर आएगा। पैरेलल जाने वाली लाइन, हर पैरेलल जाने वाली लाइन फोकस से निकल कर जाएगी। ट्रेन के नहीं सुने हो, हर गुड़गांव से या कहीं से दिल्ली से जाने वाली ट्रेन भैया उस पॉइंट से गुजर कर जाएगी। तो वही कहानी है भी, हर पैरेलल जाने वाली लाइन फोकस से निकल कर जाएगी, या हर फोकस से निकलने वाली लाइन पैरेलल ही जाएगी, चाहे कुछ भी कर लो। चलो भाई अब आते हैं दूसरा रूल, वही है भैया, फोकस से निकल रहा कहां जाएगा, पैरेलल से। भैया कहां से,
ऐसे जा रहा भैया कहानी, किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके कहानी, बात समझ लो भाई। अच्छा भाई तीसरा क्या है, ऐसे सेंटर से इसके पास होगा तो बिल्कुल 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 सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, इसके अंदर कोई कहानी खास बात नहीं है। ये बता रहा था कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, चीजों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके भैया सारे लाइट को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। चीजों को यहाँ पर जलाओगे ना तो क्या देखोगे, ये चीजें क्या होती है, जल जाते हैं, क्योंकि लाइट को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए चीजें क्या हो जाती है वहां पर, जल जाती है। चलो भाई आ जाओ आगे हम रे डायग्राम पे, फिर देखो मस्त और ब्यूटीफुल सा हम देखेंगे लेंस का कमाल। ये हूं मैं, ये हूं मैं, ये हूं ऑब्जेक्ट, अभी मैं बनकर खड़ा हुआ हूं ऑब्जेक्ट, और ये जो दिख रहा ना इतना बड़ा, ये क्या है, मेरा इमेज है। तो देख रहे हो ये इमेज क्या कर रहा है, बड़ा बना रहा है, ठीक है। अभी रे डायग्राम में देखेंगे क्या हो रहा है और क्या कहानी नहीं हो रहा है। तो पहला कहां पर रखा भैया, इन्फिनाइट पे, एक रे ऐसे भेजा पैरेलल, कहां से निकलेगा, फोकस से। दूसरा भैया ऐसे, कहां से निकलेगा, फोकस से। तो हर फोकस पे मिल भाई मिल गया, क्या आ गया, कहानी क्या हो गया, सब कुछ वही हो गया, छह बनेंगे फोकस पे, रियल इन्वर्टेड वेरी स्मॉल। दूसरा कहानी आते भैया एकदम, ये तो भाई आराम से होगा, एक तो ब्रह्मा का लकीर और दूसरा शिव का लकीर बोल दो। पहला वाला लाइन ब्रह्मा का लकीर बोलो जो कहां से निकल के आएगा, फोकस से। दूसरा शिव जी का लकीर बोलो जो सेंटर से गुजार दो भैया, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। तो दोनों जहां मीट करेंगे, इनके बीच में क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, इनके बीच में मीट कर रहा है, ठीक है। इसी सी टू को एफ टू बोला जाता है, टू एफ टू याद रखना, टू एफ टू और ए एफ टू। तो भैया इनके दोनों को बीच में बना रहा है रियल और इन्वर्टेड, और साइज क्या सा बना रहा है, स्मॉल बना रहा है। तीसरा भैया ब्रह्मा का लकीर फोकस से, शिव का लकीर सेंटर से, दोनों मेट कर गया टू एफ टू पर, कहां पर, टू एफ टू पे या टू एफ वन कुछ भी बोल दो भाई, कहानी रियल इन्वर्टेड होता है और सेम साइज होता है। तीसरा चौथा आते भैया ब्रह्मा का लकीर फोकस से, शिव का लकीर सेंटर से, दोनों कहीं मीट करेंगे भैया, कहां कर रहा है, बियॉन्ड टू एफ टू से या सी से, ठीक है कहानी रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है, और साइज कैसा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। पांचवे पाते हैं ब्रह्मा का लकीर भेजूंगा, पैरेलल हो जाएगा, फोकस से निकलेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां विदेश में मिलेगा, तो इसको क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट बोलूंगा, ठीक है। इनफाइनाइट पे रियल एंड इन्वर्टेड और वेरी बिग साइज। लास्ट केस कहानी क्या है भैया, ब्रह्मा का लकीर ऐसे, शिव का लकीर सेंटर से, बैक ट्रेस करूंगा, ये कभी इनफाइनाइट पे मिलेगा ही नहीं, कहीं पता नहीं कहां मिलेगा, इसको बैक ट्रेस करूंगा, यहाँ पर ही बन गया, यही मैं अपना लास्ट वाला केस बनाया था। तो भाई बिहाइंड द मिरर या लेंस, सेम साइड द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा, और कैसा बनाएगा, बिग साइज बनाएगा। ये रहा इनका पूरा लेखा जोखा, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, और ये नेचर इमेज, केवल लास्ट वाला अपना अलग बिहेवियर दिखाता है, बात ध्यान में फिक्स में होना चाहिए, लास्ट वाला का बिहेवियर, ठीक है सर हो गया। आते भैया अब किसका लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, चीजों को लाइट को इकट्ठा करता था, और क्या करता था, बताओ बताओ बताओ, दो प्रॉपर्टी, लाइट को इकट्ठा करता था और साइज को बड़ा करके दिखाता था। तो माइक्रोस्कोप में साइज को बड़ा करके ही देखा जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए किया जाता है, कॉनकेव लेंस। अरे भैया कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव होता है भैया, चश्मे में कैमरे में कहीं भी लगाकर हम यूज कर सकते हैं। अब किसकी कहानी, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस क्या है, ऐसा बनता है बीच में पतला। तो भैया पहला रे ऐसे आया भाग गया, दूसरा रे ऐसे आया भाग गया, डाइवर्ज हो गया, इसको बैक ट्रेस करूंगा, कहां से आएगा भैया, फोकस से आएगा। तो हो गया फोकस पे, वर्चुअल इन रिएक्ट और वेरी स्मॉल साइज, कहां पर रखा था जब ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे। दूसरा भी सेम कहानी, ऐसे चला भाग गया, सेंटर से निकला, अरे कहां निकला भैया, सेंटर से निकला, चलता गया चलता गया, कभी मिलेगा ही नहीं, इसको बैक ट्रेस किया तो इन दोनों के बीच में मिल गया। तो कहां बना रहा है भैया, एफ वन और ओ के बीच में बना रहा है, ठीक है सब कहानी, वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, और साइज क्या बना रहा है, स्मॉल साइज। ये रहा इसका पूरा लेखा चौका, कुछ नहीं है इसके अंदर, खास बात नहीं है, डायग्राम बनाने को आ जाता है। साइन कन्वर्जन वही, साइन कन्वर्जन वही कहानी। फोकल लेंथ भैया याद कर लो, फोकल लेंथ जो होगा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है सर कुछ दिक्कत नहीं। चीख चीख के फिर आ गया बंदा चीखने वाला, कह रहा भैया लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की याद किया जाए, तो भैया इसमें आ जाता है नेगेटिव, क्या जाता है नेगेटिव, बाकी सब कुछ वही है जैसे मिरर का था। मैग्निफिकेशन फिर चिक चिक के कह रहा, मैग्निफिकेशन को एन से दिखाता, और एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच होता है, या वी अपॉन में यू होता है, नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना इसके अंदर, ठीक है सर। और ये भी कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, याद रखना।
चलो भाई हो गया, आगे बढ़ते हैं अपने। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है तो भैया क्या बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेगुलर। अरे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ऊपर होगा, ऊपर कौन बनाता है वर्चुअल, इन्वर्टेड कौन बनाता है नीचे, यानी क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है भाई, पावर ऑफ लेंस पे आते हैं, पीस दिखाते हैं होता क्या है कि पावर होता क्या है कि डाइवर्ज या कन्वर्ज कितना कर पा रहा है, कितना डाइवर्ज और कितना कन्वर्ज कर पा रहा है उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, या दूसरे भाषा में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पी इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और ऐसा यूनिट क्या होता है, डाइऑप्टर। क्या होता है भैया, डाइऑप्टर होता है। और इसका जो यूनिट होता है फोकस का क्या होता है, मीटर, और रेसिप्रोकल तो पर मीटर हो जाएगा, इसको दूसरे भाषा में डाइऑप्टर से बोल दिया जाता है। कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का क्या होता है, नेगेटिव होता है। और बहुत सारे लेंस आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो सबका पावर मान लो पी वन है, इसका पी टू है, इसका पी थ्री है, तो सबका पावर आप सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो, पावर निकल कर आता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, पेपर में केस स्टडी में यहीं से आएगा, देख लेना तुम लोग। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। आ गया भैया ब्रह्म ज्ञान, सुपर पावर, सुपर हीरो, जो बोलना है बोल दो भाई, कहानी सेम वही कहानी, स्फेरिकल लेंस की कहानी। तो अगर मैं स्फेरिकल लेंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला का अंदर क्या है भैया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये उसके बारे में डिटेल हो गया। मैग्निफिकेशन की बात कर लेता हूं तो मैग्निफिकेशन का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेता हूं तो दो चीजें, तीन चीजें, इमेज का फॉर्मेशन और रे डायग्राम। रे डायग्राम का ये रहा एक आध दो एग्जाम्पल, और इमेज का ये पूरा ब्यौरा रहा, ठीक है। अरे इसके क्या हो गया भाई, कहानी कैसे अपना साइन कन्वर्जन बनाते हैं, ठीक है। साइन कन्वर्जन सेम एज द मिरर, जैसा कि मैं बता रहा था। पावर ऑफ लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, और ये कहानी यूनिट की। मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो वही सेम कहानी, ये रे डायग्राम, रे डायग्राम एक आध दो इसने बनाकर दिखा दिया है, और इमेज का फॉर्मेशन ये रहा बनाकर दिखा दिया है, मस्त और प्यारा सा, ठीक है। और ये हो गया उसका साइन कन्वर्जन, कैसे ये बनता है, दिखता कैसा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, बाकी तो आपको टेलीग्राम पे या उस पर मिल जाएगा हमारे साइट पर, ठीक है भाई। चलो हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वेल डन भाई, क्लैपिंग, पता नहीं कितने मिनट लगा है, लेकिन हमारा चीजें क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लाइट चैप्टर से पीछा छूट चुका है, आपको हर एक वो चीज बताया गया जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर होंगी। बाकी और पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए जरूर हमारे चैनल पे जाइए, और हमारे प्लेलिस्ट में मिस्टर परफेक्ट बैच क्लास 10th का साइंस के नाम से होगा, उसके अंदर पूरी डिटेल में वीडियो डाला हुआ है, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डाला गया है, ठीक है सर। आओ अगला चैप्टर में आते हैं, ह्यूमन आइज, ये जो आंखें हैं हमारी उसके बारे में। ये आंखें नहीं होती तो हमें वो कलरफुल वर्ल्ड देखने को भी नहीं मिल पाता, या लाइट नहीं रहता तो हमें देखने को नहीं मिल पाता, कुछ भी बात बोल लो, बात क्या है, फीलिंग सेम है, बात अलग है, फीलिंग सेम है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले आंख के ही बारे में बात कर लेते हैं। इंसानों के क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है, जो चीजों को दिखाने में क्या करता है, हेल्प करता है। चलो भैया, लोकेट इन क्या है, सॉकेट इन स्कल्स, ये हमारे यहाँ पे ये क्या है, लोकेट है, ठीक है। हाँ भाई, याद रखने लायक बात, एमआर स्टार, मिस्टर परफेक्ट स्टार, डायमीटर ऑफ आइस इतना सेंटीमीटर होता है, आंखों का जो डायमीटर होता है इतना सेंटीमीटर होता है, और साइज ऑफ आइस रिमेन सेम ऑल थ्रू दी होल लाइफ, अरे लगभग पूरे लाइफ में इतने ही साइज का रहेगा, कभी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है सर। चलो ये रहा भाई, मस्त प्यारा सा आंखें बनाकर लेकर आया हूं, तो देख लो भैया ये जो आगे वाला है पूरा, रे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। अगर मैं इस पूरे ऐसे हिस्से की बात करूं, इसको बोलते हैं आयरिस, और ये जो ब्लैक वाला, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये इतना सा केवल, इसको हम बोलते हैं प्यूपल, और ये पूरा ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये सारा कहानी क्या बोलेंगे इसको, आयरिस, और इसके अंदर जेली टाइप का मटेरियल भरा रहता है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
तो ये वाला डायग्राम देखते हैं, ये हमारे आंखों को दिखाने के लिए बता रही है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं आयरिस के अंदर और पीपल के अंदर, तो मैं बता दूं ये जो हिस्सा है ब्लैक डार्क वाला, ये वाला, इसको हम ओनली प्यूपल बोलते हैं, और जो आयरिस होता है ये पूरा ये बड़ा वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। अभी आगे बात कर रहे हैं, देखो 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 स्लाइड तो इतना है कि भैया आज पीपीटी वाला भी कहेगा कितना स्लाइड बना दिया वो मिशन में। तो भाई बच्चों के प्यार के लिए बहुत सारा स्लाइड बनाऊंगा, देखते रहो तुम बस। ये हमारी आंखें का कुछ ब्यौरा है। अच्छा सर, ये उसके कुछ नाम है, पेपर में आता जरूर है। तो इस सारे नाम का मतलब एक एक करके हम सब क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बस आप ये डायग्राम देख लो और ये नाम कहाँ कहाँ होता है कहानी देख लो। जैसे ये वाले को हम बड़े प्यार से किस नाम से जानते हैं, रेटिना के नाम से। ये पूरा वाले हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया, आयरिस के नाम से, प्यूपल के नाम से। हमारा ये ब्लैक वाला हिस्सा है कहानी, समझ रहे हो, आई लेंस होता है, ये सब होता है। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आ जाओ भाई, आ गया, चीख चीख के फिर बंदा आ गया, हाजिर हो गया, गला फाड़ के देखो, जीभ दिखा के क्या बोल रहा है, गला फाड़ के, पार्ट्स ऑफ ह्यूमनाइज पढ़ाओ सर। तो मैं बोला बच्चा टेंशन ना ले, उमी सर इज हियर। तो उमी सर ने बोला भैया सबसे पहले हम कर्निया से स्टार्ट करेंगे। तो भाई देखते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट इज प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला पार्ट है उसी को हम कर्निया बोलते हैं, ठीक है कहानी। और ये इन्हीं में से ही लाइट क्या होती है, अंदर जाती आती है, ठीक है सर। लेंस हमारे आंखों में भगवान ने मस्त पहले से ही क्या बना रखा है, लेंस। और कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस बना रखा है हमारे भगवान ने पहले से, तो हमारा लेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या है, इट इज द कंप्रेस ऑफ फाइबरस जेली लाइक मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। प्रोवाइड द फोकस एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, भैया इसका काम क्या है, रेटिना पर इमेज बनाने का, बाकी इंग्लिश तो लिखा ही है, ठीक है भाई। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा, आयरिस क्या होता है, इट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल। आयरिस का काम क्या है, प्यूपल को क्या करना, कंट्रोल करना है, जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना उसको क्या करना, कंट्रोल करना है। ये प्यूपल क्या है, तो प्यूपल देखो, इट इज द विंडो ऑफ द आईज, यही बोला ना, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, केवल ब्लैक वाला, उसको हम विंडो ऑफ क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं। ये काम क्या है भैया, रेगुलेट करता है और कंट्रोलर करता है किसको, जो लाइट हमारे अंदर जा रहा है, कितना जाएगा, कितना रोकेगा, ये सब कौन कंट्रोल करता है, पीपल ही कंट्रोल करता है। अगर एक तरीके से पीपल को छोड़ के पीपल बोल दिया जाए, पीपल का काम क्या है, लोगों को कंट्रोल करना, कर रहे हैं आजकल बड़े लोग छोटे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं यार दोस्त एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, तो वही कहानी है। ये भी क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, लाइट जो हमारे अंदर जा रही है आंखों के अंदर, ठीक है सर। अगला, सलेरिया मसल्स और क्या है, रेटिना। तो रेटिना तो भाई सबको पता होता है कि भैया इमेज बनाता है, ठीक है। ये क्या है, मसल्स का काम क्या है भैया, अब ये जो है एक कहानी अपने आप थोड़ी ना टंग जाएगा, किसके मदद से टंगा है भैया, सलेरिया मसल के वजह से हमारा लेंस क्या है इसके अंदर टंगा हुआ है, कंट्रोल करता है। अगला आते हैं, ऑप्टिक्स नर्व और ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला मस्त है, कई बार पूछ लिया जाता है, चीजों देखना भैया, अभी बताते हैं ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, उससे पहले क्या है ऑप्टिक्स नर्व। भैया ये ही तो है पूरा, हमने देखा, क्या देखा भाई, ये स्पेलिंग लिखा है OPTIC, अरे कैसे पता हमारे दिमाग को, कैसे पता, तो हम जो चीजें हमारी आंखें दिखा रही है दिमाग तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक्स नर्व का ही होता है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। कहाँ पे बनाता है, जो रेटिना पे बनाता है, इसको ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है भैया, ये जो हमारा रेटिना होता है ना आंख पे, ऐसे रेटिना, तो जहां से ऑप्टिक्स नर्व निकलता है वहां पे एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर वहां कोई इमेज बनता है ना तो दिखाई हमें नहीं देता, क्योंकि ये नर्व ही कुछ इस रे ऑप्टिक्स इस पे क्या लेता है, जगह कुछ ले लेता है। इमेज वही बनेगा जहां पर रेटिना हुआ, यहाँ यहाँ रेटिना तो होता है, लेकिन जहां से ऑप्टिक्स नर्व निकलता है ना वहां पर रेटिना नहीं होता, क्योंकि वो बंदा आके आ जाता है वहां पे, कुछ चीजें यहाँ पे आ गया, इसी की वजह से वहां पर रेटिना गायब हो गया था। तो अगर यहाँ पर कहीं इमेज बन जाएगा तो वहां पे चीजें दिखाई नहीं देगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो ये कह रहा है द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक्स नर्व लीव्स द आईज, जहां आईज को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे रेटिना है ही नहीं मेरे भाई, कहानी खत्म कर, ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है भाई। अगला,
एक्वस ह्यूमर और दूसरा विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, जो हमारे सबसे पहले लेयर के अंदर क्या भरा जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा जाता है, ठीक है। अगला जेली लाइक स्ट्रक्चर कह रहा हूं, जेली टाइप मटेरियल, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है भैया, कहानी स्पेस बिटवीन द आई लेंस और द रेटिना, दो फेस होते हैं, एक आगे वाले और एक पीछे वाले, लेंस के आगे लेंस के पीछे। तो एक में क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा में क्या होता है विट्रस ह्यूमर। सॉल्यूशन बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में घुस रहा हूं, ह्यूमर है, ठीक है भाई। कहानी चलो आंख की कहानी हो चुकी है मेरे भाई, अब आते हैं अपने फार पॉइंट पे और नियर पॉइंट पे। सबको पता है फार पॉइंट, तो फार पॉइंट हमारे लिए क्या होता है इनफाइनाइट होता है, और नियर पॉइंट हमारे लिए कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है। बात समझ गए, समझ गए सर। चलो भाई छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन इज 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट, जो हमारी आंखों के रेंज होती है एक हेल्दी पर्सन का, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक का रेंज होता है। 25 सेंटीमीटर से पहले रख दो तो चीजें नहीं दिखाई देगा, और भैया इनफाइनाइट तो देख ही सकते हैं कितना। चलो भैया हमारा रेंज है। अब आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा सर थोड़ा बहुत हिंदी में भी है, देख लेते हैं। इट इज द, अरे 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 कहां चल दिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, फोकल लेंस को क्या करना, एडजस्ट करना। भगवान ने जो आंखें दिया ये भी तो काम करेगा ना, घूम फिर रहा है छोटा बड़ा करके, ये भी देख रहा है, यानी सब किसका गेम है, फोकस का। उसी क्या बोलेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए उस पर फोक, अरे अरे चलो भाई, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए उस पर फोकस करने के लिए फोकल लेंथ चेंज करनी होती है। मैं बोला चीजों को छोटा करके देखना है, बड़ा करके देखना है, तो भैया किस पे बात आएगी, इसके फोकल लेंथ पर बात आएगी। अगर ऑब्जेक्ट पास में हो तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ती है, याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट हमारा जितना पास होगा तो उसका फोकल क्या करना पड़ेगा, उतना ही कम। क्यों, क्योंकि पावर इज इक्वल टू में होता है 1/f, इसको कम करूंगा तभी तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा पावर। बात समझ रहे हो, फोकस कम तो पावर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो पावर, या उसको पावर का मतलब क्लैरिटी, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए इसको फोकस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है सर। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, दूर है तो फोकस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फोकस क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो फोकस क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और ये सब करने के लिए कौन काम में आता है भैया, सेलर या मसल्स हमारे काम में आते हैं, फोकल कम ज्यादा, कम ज्यादा करना। सेलर मसल बताया ना, जो हमारी भगवान ने जो आंखें में जो लेंस दिया हुआ उसको हमारा इसमें फिट करने का काम यही करता है, ठीक है सर। आ जाते हैं भाई, अभी जो कहानी बताया उसको दो भाषा में मैंने लिख दिया हूं। पहला भाषा क्या कहता है, केस वन द सी फार ऑब्जेक्ट, हमें भाई दूर की चीजें हमें देखनी होती है, तो हमारा ये भैया जो सिलेरिया मसल्स होता है वो क्या होता है, रिलैक्स मोड में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूर की रखी चीजों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि पास के चीजों को रखने में भैया दिक्कत होती है। क्या होती है दिक्कत, तुम ही देखो ना, दूर की चीजें ऐसे दूर से दे लेते हैं, आंखों पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। इस पेन को थोड़ा पास करके देखो, आंखों पर क्या पड़ जाएगा, स्ट्रेस पड़ जाएगा। तो दूर के रखने में हमारे जो सिलेरिया मसल्स होती है वो रिलैक्स होती है, अब पास में रहता है तो क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छिप जाता है, दब जाता है, और ये थीन हो जाता है। आई लेंस दूर को देखने में क्या हो जाता है, थीन हो जाता है, और फोकल लेंस क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। पिछले स्लाइड में देखा हमने, आई लेंस इसका क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और ये भैया अपना फोकल लेंस क्या कर देता है, डिक्रीज कर लेता है। इसके वजह से हमारे आंखों पर स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है सर। आगे अभी कहानी, हाउ आवर आईज फोकस, हमारी आंख कैसे क्या करती है, फोकस कर पाती है। इनफाइनाइट पे कोई चीज रखा है बिल्कुल फार दूर पे कोई चीज रखा है, तो रे राइट बिल्कुल ऐसे आया और मस्त यहाँ पे क्या बना दिया, रेटिना पर इमेज बना दिया, जिसके वजह से पतला क्या था, ये पतला ही में ही काम, इस लेंस को क्या था, ये पतले में ही काम इसका चल गया, क्योंकि बिल्कुल इसके आंखों के लिए कैसा लाइन आ रहा है, पैरेलल लाइन आ रहा है बिल्कुल, इसके लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल क्या था, रिलैक्स था, ये पतले में भी काम चला लिया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास लेके आ गए तब हमारे आंख को ये लगेगा कि लाइट पैरेलल नहीं आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, टेढ़ी आ रही है। अब हमारी आंख का जो लेंस कहेगा नहीं भैया अब तो दिक्कत है, क्योंकि बेबी को जैसे बेस पसंद है वैसे किसी भी चीजों को स्ट्रेट लाइन देखना पसंद है, तो कहेगा ये स्ट्रेट लाइन तो तुम हो ही नहीं है,
कहां से स्ट्रेट लाइन लग रहे हो भाई, तुम बिल्कुल पास हो। मैं तुमको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अपना फोकल क्या करूंगा, ऐसा अपना कर्वेचर बढ़ाऊंगा, ठीक करूंगा, ताकि तुम हमारे लिए पैरेलल का काम करोगे तब हमारा इमेज यहाँ पर बना देगा। ठीक है भैया, ते कट्रैक्ट हो जाता है कहानी। चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। मायोपिया, सबको बीमारी पता है मायोपिया क्या होता है, दूर की नजर का कमजोर होना, कंफ्यूज नहीं होना है भैया। मायोपिया मतलब दूर की नजर क्या होना, कमजोर होना। अब मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की रखी वस्तुओं को देख नहीं पाता है, पास का मस्त देख लेता है। दूर की नजर उसका मतलब क्या है, खराब है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका इमेज कहां बन जाता है, रेटिना के आगे ही बन जाता है। कॉज क्या है भैया, आंख से ज्यादा चीज देखोगे आलतू फालतू, कर्वेचर उसका भैया खराब हो जाएगा। और क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ आईज वॉल, इसका आईज वॉल क्या हो गया, लंबा चौड़ा हो गया होगा, तो क्या आ गया, दिक्कत आ गया, मायोपिया। अब आते हैं इसका दूर कैसे करोगे। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो अगर कोई उसको ऑब्जेक्ट है तो कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा, एक हेल्दी पर्सन के लिए। लेकिन जिसको मायोपिया है, जिसको मायोपिया है, उसको कहां इमेज बनता हुआ दिखाई देगा भैया, पहले ही रेटिना से पहले ही हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो भैया ये पहले ही बना दिया, यानी मुझे जब इसका कर्जन करना होगा, सही करना होगा, अगर मैं मान लो डॉक्टर हूं, अगर मैं इसके बीमारी को इलाज करना है तो मैं क्या चाहूंगा कि इसका रे कहां आ जाए, रेटिना पर आ जाए। यानी ये पहले ही इकट्ठा हो गया, यानी इसको फैला कर दूर कर दिया जाए। तो फैलाने का कौन कौन काम करता है भैया हमारा, कॉनकेव लेंस क्या करता है, काम करता है। तो कॉनकेव लेंस जाएगा उस पर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। अब इसका कर्जन ये रहा, तो मैंने रास्ते में क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। लाइट का क्या करता है, डाइवर्ट करने का काम करता है। डाइवर्ट करने से उसको और जगह मिल गया, कहां चला गया, हमारा रेटिना पर इमेज बन गया। तो इसके तीन डायग्राम है, एक तो भैया मस्त हेल्दी पर्सन का, और एक कहानी ये था भाई, एक कहानी ये था एक कहानी ये था जिसको क्या था भैया, मायोपिया था। अगला कहानी क्या था भैया, हमने क्या कर दिया इसका, बिल्कुल इलाज कर दिया है चश्मा के रूप में, ये चश्मा में लगा रहता है। ठीक है सर, अगला हाइपर मायोपिया, चिख चिख के कह रहा है, पास की नजर का क्या होना भैया, कमजोर होना क्या कहलाता है, हाइपर मायोपिया कहलाता है। ये भैया पास का तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर का दिखाई दे जाता है, ये रहा। ठीक है, इसका नियर पॉइंट अब आई मूस, अब ये दूर चला जाता है, फोकस कहां, रेटिना के, और ये कहां बनाता है, रेटिना के पीछे बना देता है। कॉज क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आईज बिकम टू लॉन्ग, हमारा आंखों का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई वॉल बिकम टू स्मॉल, हमारी जो आई वॉल क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, इसी वजह से इसका दिक्कत है। कर्सन क्या होगा भैया, तो ही होगा, इमेज कहां बना लेता है, बिल्कुल रेटिना के पीछे बना लेता है, इमेज बिल्कुल रेटिना के पीछे बना लेता है। अगर हेल्दी पर्सन होता तो रेटिना पे ही बनाना चाहिए था, लेकिन हाइपर मायोपिया वाला आई में कहां बना लेता है, बिल्कुल पीछे बना लेता है। तो भैया पीछे बना रहा है, देखो कहां बना रहा है, पीछे, यानी इकट्ठा करके इसको पहले यहां पे बना दिया जाए, इकट्ठा करना पड़ेगा रे को। रे को इकट्ठा करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। इसका भी कहानी हमारा हो चुका। अब आते हैं प्रेस मायोपिया, इसको बोलते हैं ओल्ड एज हाइपर मायोपिया। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग जो थोड़े एजेज वाले ज्यादा, के पास नजर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, पास की नजर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कुछ लोग अखबार पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, बुढ़ापे में आपने देखा होगा अपने आसपास, ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा, अखबार पढ़ने में क्या होती है, दिक्कत होती है, उनका पास का भी नजर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस मायोपिया बोलते हैं। ये देखो, ये रहे हमारे हमारे से एजेस, क्या है कहानी इनकी, इनका पास का नजर नहीं दिखा रहा, चश्मा लगा के देखेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, परेस बायोपिया बोलते हैं। दिक्कत क्या होता है, थोड़ा पानी पी लेता हूं, सॉरी। जो सिलेरिया मसल्स है, जो भैया फोकस को एडजस्ट करती हो, क्या जाता होगा, वीक हो जाता है। आईज की जो फैसिलिटी होती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से इनको ये दिक्कत आता है। इलाज क्या है भैया, उनको जो बीमारी है उनको क्या लगा दिया जाए, वो लेंस लगाकर दे दिया जाए। ठीक है भाई, एडवांटेज क्या होता है, फील्ड व्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और कैसा दिखाई देता है, 3D व्यू में दिखाई देता है। ठीक है, अब आता है कैटरेक्ट, इसको हिंदी बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद।
तो आंखों पर एक व्हाइट कलर का क्या जड़ चढ़ जाता है, लेयर चढ़ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है भैया, ये सब बातें पढ़े होंगे इसीलिए इसको स्पीड में भगा रहे हैं। अब आते हैं किसकी कहानी, प्रिज्म की कहानी। तो प्रिज्म में क्या होता है भैया, ऐसे क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है 3D में, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये रहा प्रिज्म, तो मेरे पास भी प्रिज्म है, ये रहा हमारा प्रिज्म की कहानी। ठीक है, ये रहा प्रिज्म, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये हो गया हमारा प्रिज्म की कहानी। ठीक है सर, तो जब व्हाइट कलर शिप प्रिज्म से जाती है तो 7 अलग अलग कलरों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया क्या है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो धरती पर व्हाइट लाइट जो है ना, जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब पड़ता है तो 7 अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक प्रिज्म था, लाइट व्हाइट लाइट आया, ये आया और 7 रंग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस बैंड ऑफ 7 कलर, जिसको क्या बोलते हैं, विव ग्योर वॉयलेट इंडिगो, विव वॉयलेट इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड होता है कलर का नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो लाइट का द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिस्पर्जन अकर, ये डिस्पर्जन होता ही क्यों है भाई, हमें बताना है। तो लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन वैक्यूम एयर, बट एनी अदर मीडियम दे ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड एंड बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल। बात समझना, जो लाइट होते हैं अलग अलग कलर के, हवा में जब एयर में चलते हैं तो सबका स्पीड क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जैसे वो दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अलग अलग कलर के अलग अलग स्पीड हो जाते हैं। जब सेम स्पीड से जा रहे हैं तो सब कुछ सेम दिखाई देगा, जैसे दूसरे मीडियम गए तो स्पीड एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, कोई आगे कोई पीछे, भेड़ बकरी की तरह आगे पीछे, तो दूर से क्या हो जाएंगे, पहचान में आ जाएंगे, इसीलिए कलर भी दूर से दिखाई दे जाता है। वही बोल रहा है, लाइट रे जो डिफरेंट कलर के होते हैं ट्रेवल करते हैं सेम स्पीड से वैक्यूम के या एयर के अंदर, लेकिन जो अदर मीडियम में जाते थे ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड, इसमें सेम स्पीड था इसके अंदर डिफरेंट स्पीड से, इसीलिए ये कलर वाइज दिखाई देते हैं। क्या ही मस्त लॉजिक है ये। चलो भाई, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, जैसे व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से भेजा तो 7 अलग अलग कलर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अरे भैया एक रिकॉम्बिनेशन, एक और प्रिज्म लगा दे, अगर 7 लाइट अगर आ रहा है तो ये अंदर से ऐसे जाएगा तो कौन सा लाइट निकाल देगा, सेम वही लाइट निकाल देगा व्हाइट कलर का। ठीक है सर, यही तो न्यूटन बाबा ने शायद बताया था बात। हाँ जी सर, न्यूटन तो इसमें भी आ गए। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा सर क्या है टी, इसको प्यार से TIR भी बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो होता क्या है, अब ही देखते हैं। पहला क्या है, मैं कहां बनाऊं, यही बना देता हूं। ये मान लो नीचे वाटर था और ये मान लो ऊपर क्या था, एयर था, और ये रखा एक ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूं यहां से प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइट मान लो ऐसे इसमें से ऐसे निकला, यहां पे क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो ये कैसा था, डेंसर मीडियम में कैसा था, रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर जाता तो अवे हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया, ये एंगल इंसिडेंट हो गया और एंगल रिफ्लेक्टेड हो गया। फिर हल्का सा एक और भेजा, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर और मुड़ गया, फिर एक हल्का सा और भेजा, अब इस बार इसी के ही प्लेन में हो गया। अगली बार जब ऐसे रे भेजूंगा तो क्या रह जाएगा, ऊपर जाने के बजाय कहां रह जाएगा, सेम मीडियम में रह जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। लाइट पहली बार में ऐसा भेजा तो ऐसे निकल गया, अगली एक बार टाइम ऐसा ऐसा भेजा तो इसी के ही प्लेन पर रह गया। अब इसके एंगल और ज्यादा जब बढ़ाऊंगा तो ऐसे जाएगा और ऐसे ही क्या रह जाएगा, सेम मीडियम में रह जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, रिफ्लेक्शन। अब क्या हुआ कि भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय एक मीडियम से कहां रह गया, उसी मीडियम में रह जाए, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, TIR नाम हो गया। ठीक है,
इसको ऑब्टेन करने के लिए दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन? पहला पूछता है कंडीशन, पहला और दूसरा क्या है? इट शुड बी एंटर फ्रॉम डेंसर से रेयर मीडियम। हमेशा लाइट कहां से कहां चलना चाहिए? वाटर से एयर या डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या होगा? इस वाले एंगल से, इस वाले एंगल पे, इस एंगल पे मान लो ये 90, ये हो गया ना कहानी 90 डिग्री इसके साथ रिफ्लेक्शन। इस वाले एंगल से हमें ज्यादा एंगल चाहिए ताकि लाइट कहां हो जाए? अंदर की तरफ रह जाए। ठीक है सर, बात समझ गए। ये रहा कहानी, एक लाइट था ऐसे भैया ग्लास से, और भी ऊपर जाना चाहिए था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्योंकि ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया? अपने ही लाइट में रह गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? टी आई आर बोलते हैं। ठीक है सर, आते हैं रेनबो की कहानी। तो वही भाई, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो प्रिज्म का क्या ले लेती है? रूप ले लेती है, प्रिज्म के जैसा बिहेव करती है, तो उसके अंदर से सात कलर निकल जाता है और हमेशा कैसा बनता है? अपोजिट साइड ऑफ द सन का होता है। ठीक है सर, ये रहा कहानी। हमारे सनलाइट है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसे लाइट आएगा और इसके अपोजिट में हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे रेनबो दिखाई दे जाएगा। ठीक है सर, अगला एटमोस्फोरिक रिफ्लेक्शन क्या? तुम्हें पता है अर्थ के ऊपर बहुत सारे भैया क्या है? लेयर है, बहुत सारे क्या है? लेयर है। द रिफ्रैक्शन बाई द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेरिक इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बहुत सारे क्या भैया? लेयर है एटमोस्फेयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब भैया ये जो वर्ड आया है इसका बहुत बड़ा रोला होने वाला आगे, ये रोला तबाही मचाएगा। अभी सारी कहानी इसी की होगी, उसी में आते हैं। सबसे पहले एडवांस सनराइज, हमें पहले क्यों दिखाई दे जाता है सन? किसके वजह से? एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के वजह से। द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्ली, सन जल्दी हमें दिखाई दे जाता है, कितने मिनट? 2 मिनट एट द एक्चुअल सनराइज और सन रिमेंस, इनके बीच में कितने गैप होता है? 2 मिनट का गैप होता है। और ऐसा क्यों होता है? एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे ये बंदा है, प्योर पोजिशन था सन का, लाइट ऐसे चल रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बहुत सारे लेयर है ना, तो बार बार क्या होता है? लाइट बेंड होता रहता है, नॉर्मल की तरह झुकता रहता है। और यहाँ पे जो बंदा है खड़ा है, इसको लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो इनके बीच में कितने का गैप है भैया? 2 मिनट का गैप होता है। ठीक है सर, अगला दूसरा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द फायर अपीयर्स टू फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब क्या होता है हिंदी में? झिमझिमाहट, झिम झी मा ह तो या झिमझिमाना, झिमझिमाहट मतलब देखो, फ्लिकर का मतलब नहीं समझ रहे हो? ये रहा फ्लिकर, देखो जब आग जब जलता है ना, तो इसमें से देखते हो ना, ये ऐसे बहुत सारे क्या निकलते हैं रे, जैसे लगता है ना ऊपर नीचे चीजें क्या हो रही है? हिल डुल रही है। देख रहे हो भाप जब निकलता है तो अलग ही एक क्या होता है? व्यू होता है। देखो आग निकल रहा है और इसके अंदर से हमें थोड़ा झिमझिमाता उलमिलाता सा कहानी लग रहा है, उसी को हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लिकर बोलते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जहां पे ज्यादा आग होगा वहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा, जहां पे आग नहीं होगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। लाइट बार बार कम ज्यादा एंटर कर रहा है, इसके समय कैसा देखने को मिल रहा है? फ्लिकर करते हुए दिखाई दे रहा है, झिमझिमाते हुए नजर आ रहा है। ये भी इसी की वजह से होता है। तो उतारना है तो उतार लो भैया, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अब आते हैं, स्टार हैज सीन वी हायर देन दी एयर एक्चुअल। स्टार भैया इसी की वजह से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, सेम कहानी। ये रहा, पोजीशन उनका बदलता रहता है क्योंकि लाइट हम भाई जो स्टार्स होते हैं हमसे बहुत ज्यादा क्या है? दूर है, एकदम पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। जब लाइट आता है रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, खूब आता रहता है, बार बार बेंडिंग होता रहता है, जिसके वजह से भैया हमें चीजों को लगता है कि क्या है? आपस में टिमटिमा रहे, जबकि वो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है सर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी हो गया। आज भाई कहानी, व्हाई डू नॉट प्लैनेट नॉट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो सबसे पहले बात, प्लैनेट हमारे पास है, ठीक है। दूसरी बात, उनका खुद का कोई लाइट है नहीं, ठीक है। और ये तीसरी बात, ये पॉइंट सोर्स की तरह काम नहीं करते, प्लैनेट तो हमें ऐसे ही दिखाई दे जाता है, ठीक है कहानी। तो ये सब भैया पास है, खुद का सोर्स नहीं है लाइट का, और ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है, इसीलिए टिमटिमाते हुए नजर नहीं आता। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भैया? तो भैया सबको पता होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। जब ये लाइट है सीधा चलने के बजाय क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट है, लाइट आया है, क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये लाइट मेरे ऊपर पड़ रहा है तो लाइट क्या हो जा रहा है? फैल जा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं।
जैसे प्रिज्म था लाइट ऐसे आया तो क्या हो गया था, स्कैड हो गया था, फैल गया था, वही सब इसकी कहानी है। तो ये वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है वही कहानी। मतलब अगर स्मॉल साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो ब्लू कलर वाला लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्मॉल चीज से जाके टकराता है तो ब्लू कलर का लाइट निकलेगा, मीडियम साइज से जाके टकराता है तो रेड कलर का निकलेगा, लार्ज कलर के पार्टिकल से टकराता है तो सारे कलर का लाइट क्या हो जाएगा, निकल जाता है, ठीक है। ये रहा कहानी, आ जाओ भैया इस पे आते हैं। यहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी क्या होने वाला है, एक तरीके से रोला होने वाला, रोला मतलब इसके बहुत सारे क्या है अप्लीकेशन है। टिंडल इफेक्ट कई बार देखते हैं अपने घरों में, जो खिड़कियां रहती है, जो विंडो होती है, जब सन लाइट आता है तो उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई देता है, पार्टिकल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। देखो विंडो बने हुए हैं, इसमें से जब लाइट निकलते हैं तो छोटे छोटे ऐसे क्या दिखाई देते हैं, पार्टिकल दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है स्काई का, क्योंकि भैया जब लाइट सनलाइट धरती पे पड़ता है कहानी, तो व्हाइट कलर का लाइट सबसे ज्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, उसी वजह से हमें दिखाई दे जाता है, ठीक है सर। ये रहा कहानी, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रा नोट को स्पोर्ट्स एम्प्टी, भाई ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होने के लिए वहां पे कोई चीज है ही नहीं कि वहां पे क्या हो रिफ्लेक्शन, इसलिए कैसा दिखाई देता है उनको, ब्लैक कलर का दिखाई देता है एक्स्ट्रा नोट को, ठीक है सर। ये रहा ब्लैक कलर दिखाई देता है क्योंकि लाइट के लिए, इंसिडेंट के लिए कोई जगह वहां पे है ही नहीं। डेंजर भैया जो साइंस होते हैं रेड ही कलर के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, स्कैटर जल्दी होता नहीं है, और इसका डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा तक क्या होता है, इसमें से निकलता रहता है वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, इसीलिए हम रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। फॉग के अंदर भी इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा कवर करता है, ठीक है सर। कलर ऑफ सनसेट, जब कलर भैया जब सन उगता है तब भी लाल, जब डूबता है तब भी लाल, तो क्यों होता है भैया, ये भी स्कैटर्ड के वजह से ही होता है, क्योंकि लाल कलर का लाइट ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं, नहीं हो पाते, इसीलिए रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा इसका माइंड मैप, ज्ञान सूत्र जो बोलना है तुमको बोल दो। तो सेम कहानी जो कुछ मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों का, सेम ये वही कहानी है। क्या पढ़ाया सर, ये हो गया हमारा आइस आई बॉल, इसका साइज डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसका स्ट्रक्चर और वर्किंग है ना ह्यूमन आइज, यहाँ से स्ट्रक्चर और वर्किंग पढ़ा, फिर आई बॉल की कहानी पढ़ा, ठीक है सर। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मायोपिया पढ़ा, मायोपिया अगर अच्छा हेल्दी पर्सन होता है तो ये होता है, जिसको मायोपिया होता है उसको रेटिना से पहले ही बन जाता है। अब भैया ये वाला लेंस लगा देंगे तो बिल्कुल रेटिना पर, हाइपर मायोपिया पढ़ते हैं, अगर हेल्दी पर्सन होता तो ये होता, हेल्दी नहीं था तो इसका भैया कहाँ बना दिया, रेटिना के पीछे बना दिया, और ये लेंस लगा दिया तो सेम साइज पर बना दिया, और ये हमारी आंख की कहानी हो गई। इस सब के बारे में यहाँ पर ये लिखकर दिखा रहा होगा, सारी बातें यहाँ पे कर रहा है, ठीक है भैया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलो भाई ले लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ, जो कि हमारा क्या होने वाला है भैया, स्कैटरिंग ऑफ रिफ्रैक्शन से ही जुड़े चीजों को हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन तो भैया थ्रू ग्लास स्लैब और थ्रू प्रिज्म से, ग्लास स्लैब की अभी जस्ट कहानी पढ़कर आए थे, सीधा चलने वजह मुड़ जाएगा, इसके बीच को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, लेटरल डिस्प्लेस बता रहा था ना, सीधा चलने के बजाय कितना एंगल से क्या हो गया, ये बेंड हो गया, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू, ये हो गया हमारा प्रिज्म की कहानी। प्रिज्म में भी दो डिस्पर्जन होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, डिस्पर्जन में लाइट क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसमें भैया फैल के दोबारा एक लगा देते हैं तो भी व्हाइट कलर का ही निकाल देता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन भैया की साइन आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, और ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब आते हैं भैया थ्रू एटमोस्फेयर में, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और सन का भैया पोजीशन क्या होता रहना, बदलता रहना, इन सब की कहानी, दो मिनट पहले दिखाई दे जाना, ये सब उसकी कहानी है, डिटेल है। स्केटिंग ऑफ लाइट कितने सारे कहानी है, कलर भैया सनसेट लाल ही कलर का क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है भैया, एक्स्ट्रा नोट को काला क्यों दिखाई देता है, ये सारी उसकी क्या हो गई, कहानी हो गई। तो स्क्रीन शॉट लेना है तो भैया ले सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को,
तो सिस्टम को आगे बढ़ाने से पहले भैया एक बार चेक कर लिया जाए टाइम क्या हो रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। चलो भाई भाई वेल डन वेल डन, आपने ह्यूमनाइज को भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। चलो भाई एक नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ते हैं भैया। कॉपी पेन को रेडी रखो क्योंकि आज मिस्टर परफेक्ट फुल फॉर्म में है। जितना मर्जी उतना भैया आज पढ़ा सकता हूं, इतना ज्यादा भी मेरे पास एनर्जी बचा हुआ है। आओ भैया बल्ब को मस्त उठाते हुए क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। अगला चैप्टर क्या क्या इसके अंदर भैया कंटेंट रहने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ पढ़ेंगे, सर्किट और कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, वोल्टेज की कहानी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, क्या क्या चीजों के ऊपर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, सारे हमारे क्या होने वाले आज के कंटेंट रहने वाला इस चैप्टर का। हाँ जा भैया टाइप्स ऑफ चार्ज, कहानी चलते हैं भैया एटम से। एटम में टाइप्स ऑफ चार्ज कितने टाइप्स के, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन से बनता है, नेगेटिव चार्ज होता है किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, और न्यूट्रॉन होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है सर। चलो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कौन है भैया, पहली बार कूलाम जी ने बताया था, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, एंड इलेक्ट्रॉन पोसेस द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू नेगेटिव में ये चीज होती है 1.6 × 10⁻¹⁹। और ऐसा यूनिट ऑफ वन कूलाम, एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸, इतने कूलाम चार्ज होता है, एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहां फॉर्मूला क्या होता है Q=ME, यहां से इसका कैलकुलेशन होकर ये निकल कर आता है। एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक है सर। ये रहा चार्ज जो होता है पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। नेगेटिव के लिए चार्ज अंदर की तरफ आता है, नेगेटिव के लिए चार्ज अंदर की तरफ आता है, पॉजिटिव के लिए चार्ज बाहर की तरफ निकलता है। और ये कैसा लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। ठीक है सर। भैया इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो प्रॉपर्टी सर देखो क्या क्या है। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है, व्हाई डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर पता है कि जहां पे लाइन अगर दो ऐसे क्रॉस करता है, अगर इसका टेंजेंट करते हैं ड्रॉ, इस टेंजेंट के कितने डायरेक्शन हो गए, दो डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। ठीक है सर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच सरफेस ऑफ चार्ज, जब भी ये निकलता है तो हमेशा उस चार्ज के कहां रहता है भैया, परपेंडिकुलर होता है। अलाइंस बिल्कुल, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने पास पास होंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग, और जितना ही दूर होता जाएगा इनके बीच का गैप उतना ही क्या होता जाएगा, वो वीक होता जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट, हाँ, जितना ज्यादा चार्ज होगा भाई, पहले चार्ज मान लो एक कूलाम था, फिर दो कूलाम, फिर तीन कूलाम, तुम जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स उतना ही क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये कहानी ये कह रहा है। द नंबर ऑफ फील्ड्स लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, बिल्कुल सर। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है। चलो भैया, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नाम पे डेफिनेशन, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सर्किट, सर्किट के अराउंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है सर। करंट क्या होता है फिर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन नोन एज इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका फॉर्मूला I=Q/T होता है। ठीक है सर। अगला, एक एम्पियर कई बार पेपर में क्या कर लेते हैं, लोग पूछ लेते हैं, तो एक एम्पियर क्या होता है भैया, कि एक कूलाम चार्ज, I=Q/T पढ़ा था ना, मतलब एक कूलाम चार्ज और एक सेकेंड टाइम मिलेगा, एक सेकेंड में कितना कूलाम भाई चार्ज क्या होगा, एक कूलाम चार्ज पास होगा, उसे क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। ये कुछ यूनिट है, मिली एम्पियर, और ये क्या है, माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और भैया माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ठीक है सर। एमीमीटर क्या है,
एमीमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करने में क्या आता है, काम में आता है। तो एमीमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हमेशा कैसा जोड़ते हैं भैया, इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे। ये हो गया हमारा एमीमीटर, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है सर। और क्या होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ठीक है। गैलोनोमीटर क्या होता है भैया? तो गैलोनोमीटर भी नए जमाने का क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं एमीमीटर ही है। ये भी करंट को मेजर करने में क्या आता है, काम आता है। लेकिन एमीमीटर लार्ज करंट को मेजर करता है और गैलोनोमीटर स्मॉल करंट को क्या करता है, ये मेजर करता है, स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करता है, ठीक है सर। अगला पोटेंशियल क्या होता है भैया? तो भैया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल वीज इक्वल टू में डब्ल्यू बाई क्यू। एक चार्ज को दूसरे तक, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पहुंचने में जो हमने वर्क डन किया, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला वीज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और इस वी का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है भैया? वोल्ट होता है ऐसा यूनिट, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है सर। एक वोल्ट को डिफाइन कर, बोला ना वोल्ट उसका यूनिट होता है। एक वोल्ट क्या हो जाएगा, वी इक्वल में क्या पड़ा, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, एक जूल वर्क और एक कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज को ले जाने में एक जूल वर्क करना, वही क्या कहलाता है हमारा, वन वोल्ट कहलाता है, ठीक है सर। आते हैं वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर क्या होता है सर? तो ये भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो बैटरी को मेजर करता है कि उसके अंदर कितने वोल्टेज है, वोल्ट मीटर, ठीक है। और एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए। जो एमीमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। चलो भाई अच्छा भैया, मैं बोल दिया एमीमीटर जो लो रेजिस्टेंस होता है और वोल्ट मीटर जो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। इसको हमेशा किसमें करते हैं, सीरीज में। किसमें करते हैं, सीरीज में। और इस चीज को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं भैया, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, बात पता होना चाहिए, ठीक है सर। कुछ भैया डिवाइस के सिंबल है, ये किसका भैया, रेजिस्टेंस का है। कैसा है, रेजिस्टेंस का है। यूएसए में ऐसे बनाते हैं और यूरोप के अंदर कोई लोग ऐसे भी बना देते हैं। ए एमीमीटर, ये वोल्ट मीटर और ए मोटर जो कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है तो छोड़ दो। इंडक्टर अभी हम पढ़ेंगे नहीं, क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा जाता है। स्विच पढ़ते हैं भैया, लैंप को ऐसे दिखाया जाता है। कैपेसिटर ये हमारे में है नहीं, छोड़ दो, ट्वेल्थ में पढ़ा जाएगा। ट्रांसफॉर्मर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्राउंडिंग का देख लो भैया, डीसी वोल्टेज का देख लो भैया, और ये डायोड तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं, ये देखो भाई, मस्त और प्यारे से सर को। यही है हमारे ओम बाबा, यही हमारे ओम जी, और मेरा भी नाम ओम प्रकाश वर्मा है, लेकिन ये ओम जी है। इनमें और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है भैया, नमस्कार। तो भैया कहानी क्या कहते हैं, हम जो अभी करंट पढ़ के आए, वोल्टेज पढ़ के आए, ठीक है भाई, कहानी उसी का ये रिलेशन निकालेंगे। देखो क्या, जिसका नाम दिया गया ओम्स लॉ। क्या नाम दिया गया है, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रहेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, क्या 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 बोले सर? तो भाई की बोलूंगा एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। The current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. यानी जितना ज्यादा potential उतना ज्यादा हमारा current हो जाएगा। जैसे हटाऊंगा तो इसका कुछ कहानी आ जाता है constant, जिसको हम R से दिखा रहे हैं, और इसको मैं बोलता हूँ बड़े प्यार से वीर। क्या बोलता हूँ, वीर। V is equal to में I R, जहाँ पे V वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस, और I क्या है, करंट है। रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर होने वाला, भी आगे पता चलेगा। तो ये लिख दिया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया, आई है। हटेगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया आर, जहां पे आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यहाँ इंटू रहता है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो ये रहा,
ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया हमारा ग्राफ, वोल्टेज और आई के बीच का ग्राफ है जहां पे आर क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे आर कांस्टेंट नहीं है, देखो बेंड हो गया कहानी। तो इसको बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस, क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। और इसको क्या बोलेंगे, ओमिक। तो कहता है ओमिक का एक आध नाम बता दो, तो मेटल ले लो भैया, कंडक्टर ले लो, ये सारे क्या होते हैं, ओमिक डिवाइस होते हैं। नॉन ओमिक डिवाइस में क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर, क्या होता है भैया, सेमी कंडक्टर होता है। और क्या होता है भैया, डायोड होता है, ये सब कहानी, ट्रांजिस्टर होता है, ये सारे क्या होते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। मतलब ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसको नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। चलो भैया, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, सम टाइम, रेजिस्टेंस क्या होता है, सम थिंग्स दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो होने से क्या करता है, अपोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। देख लो भैया, रेजिस्टेंस हमारे डेली लाइफ में ऐसे देखते हैं, देखो कभी सर्किट वर्किट के अंदर ऐसा, हाँ जी सर देखा, उसी क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका काम क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकना, जानी दुश्मन है ये करंट का, याद रखना, ठीक है। चलो भैया ये देखो कहानी क्या है, पावर लगा रहे, एनर्जी लगा रहे, वोल्टेज लगा रहे ताकि ये करंट बेचारा इधर से निकल जाए, लेकिन ये रेजिस्टेंस बेचारा दुश्मन जो बन के बैठा हुआ है, ये गजनी का पूरा हंगा और दम लगा रहा है कि मैं करंट को निकलने नहीं दूंगा, लेकिन ये लोग इतना सारे दम लगा रहे तब भी ये करंट नहीं जा पा रहा है, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल है तभी आगे नहीं जा पा रहा है। अगर ये गजनी का पावरफुल अपना कम कर दे, थोड़ा डिक्रीज कर दे, ये थोड़ा डिक्रीज कर दे, ये अपने आप का पावर थोड़ा डिक्रीज कर देगा तो आराम से अंदर जा सकता है, यानी दोनों कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन भैया, करंट एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है सर। तो रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, डिफाइंड वन ओम। तो वन ओम का भैया क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन में आई, यानी एक वोल्ट और एक एम्पियर का काम धाम करना क्या कहलाता है, हमारा वन ओम कहलाता है, ठीक है। किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस चार बातों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। और यह हमारा रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिखता है, जो कि अभी मैंने जस्ट दिखा दिया, ठीक है सर। आ जा भाई, आ गया ओम्स लॉ, ओम वन ओम वही हो गया, एक वोल्टेज और एक एम्पियर को क्या बोलते हैं, वन ओम बोलते हैं, ठीक है सर। रियो स्टेट क्या होता है, एक ये भैया क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरी करता रहता है, कम ज्यादा करते रहते, ये उसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है भैया। आते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कुछ नहीं, एक तरीके से भाई समझो ऐसे, रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कह रहा, रेजिस्टेंस चार बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, याद करो किस किस के ऊपर, लेंथ, ठीक है, एरिया, नेचर, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस की, ये चार बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो रेजिस्टिविटी कहता है ये दो बात को हटा, ये दो बात को हटा, मुझे इन दोनों से कोई भी लगाव नहीं है, कोई भी मोह माया नहीं है, तो इसको मार दे, कुछ भी कर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि यूनिटी कर दो, क्या कर दो, यूनिटी। यूनिटी का मतलब एक मीटर लेंथ ले ले और एक मीटर स्क्वायर क्या ले लो, एरिया ले लो। तो एक मीटर में, एक मीटर लेंथ हो, एक मीटर स्क्वायर एरिया हो, जो रेजिस्टेंस देगा उसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। द रेजिस्टेंस ओपर बाई दी वन मीटर, और वन मीटर स्क्वायर उसका एरिया होना चाहिए, उसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। बात समझ रहे हो, तो रेजिस्टिविटी को किसे दिखाया जाता है, रो से। फॉर्मूला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कंबाइन करेंगे तो हमारा रो कॉन्स्टेंट आ जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो भैया रेजिस्टिविटी किन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो दो गया तेल लेने, कौन सा बच जाएगा, नेचर और टेम्परेचर। तो सारी कहानी मैंने यहां पर बता दिया, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है।
तो देखो आ गया ना, द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द वायर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, और ऐसा यूनिट ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है सर, ये कुछ क्या है भैया, ग्राफ है जो पेपर में 10th क्लास में पूछ लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड में अक्सर, रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, ये कॉपर है मतलब कंडक्टर है, ये किसका ग्राफ है, ये कंडक्टर का ग्राफ है, ऐसे बनता है। ठीक है सर कहानी, ये निक्रोम है यानी अलॉय है, क्या है ये अलॉय, अलॉय पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सेमीकंडक्टर है, कहानी कहाँ चलता है, रेसिप्रोकल का चलता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, क्योंकि ओम स्लो में याद रखो ये लिखा हुआ था बात एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, लेकिन जब अनकॉन्स्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, जब टेम्परेचर वेरी करेगा वेरिएबल होगा, तब उसकी कहानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कंडक्टर के लिए और ये सेमी कंडक्टर के लिए, और ये किसके लिए है भैया अलॉय के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। ठीक है सर, सीरीज के अंदर कैसा होता है भैया कि करंट इसके अंदर सेम रहता है, करंट क्या रहता है सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है अलग रहता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंपल, क्या करते जाओ एड करते जाओ। ठीक है सर, पैरेलल के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर करंट डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, करंट क्या रहता है डिफरेंस, पोटेंशियल क्या रहता है सेम होता है, और इसका फॉर्मूला वन अपॉन में आरपी इक्वल टू में रेसिप्रोकल करके क्या कर दो, सबको ऐड कर दो, तो ये सीरीज और पैरेलल की कहानी हो गई। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ भैया पेपर में पूछ लेता है कि क्यों डिसएडवांटेज है, तो भैया अगर हम सीरीज के अंदर जोड़ते हैं किसी भी चीज को तो प्रॉपर कंपोनेंट क्या हो जाता है फेल हो जाता है, ढंग से काम नहीं कर पाता है, अगर एक खराब हो जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे खराब हो जाएगा, ये सारे काम नहीं करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि करंट क्या रहता है सेम, पहले ही टूट जाएगा तो करंट जाना सब में क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, और करंट सेम रहता है तो वैल्यू भी क्या रहेगा सेम रहेगा, मोबाइल का चार्ज टीवी एसी क्या सब में सेम करंट जाएगा, सबको सेम करंट चाहिए नहीं, लेकिन वो करंट हम जो सीरीज में दे रहे हैं सब में क्या रहेगा सेम रहेगा। अब भाई एसी भी चलाना है मोबाइल भी चार्ज कराना, तो भाई एसी मान लो चल गया लेकिन मोबाइल क्या हो जाएगा फूक जाएगा, इसीलिए कहानी क्या हो जाती है दिक्कत होती है किसके अंदर लगाने के लिए सीरीज के लिए, इसीलिए हम चीजों को किस में जोड़ते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है सर, अब भाई हीटिंग इफेक्ट, तो जब जब भी करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो उसके अंदर क्या होता है भैया हीट प्रोड्यूस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, सेम वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है सर, इसी बात को प्रूफ करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट बाबा आ गए जिनका नाम क्या था जूल्स लॉ था, जिनका नाम क्या था भैया जूल्स लॉ था। तो जूल्स लॉ क्या बोलते हैं, ये हीट प्रोड्यूस होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, यानी जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, और जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट, ये नहीं कि लगाते के साथ ही गर्म हो जाएगा, इन तीन चीजों के ऊपर अपना हीट क्या करता है डिपेंड करता है। जब कंबाइन करेंगे तो इसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा एच इज इक्वल टू में आई स्क्वायर आर टी निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, और जो इसका ऐसा यूनिट होता है वर्क डन होता है इसका मतलब भी, या हीट बोल लो या एनर्जी बोल दो, बात क्या है सेम है, और सबको पता है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा जूल होता है। ठीक है भाई, हाँ जी सर, ठीक है। चलो भैया, पावर क्या होता है कि मैं कितना काम कर रहा हूं और कितने समय के लिए कर रहा हूं, कितना जल्दी कितना फास्ट कितना भाई स्लो क्या कर रहा हूं काम को, हमारा क्या कहलाता है पावर डिफाइंड कहलाता है। तो द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वॉट होता है। ठीक है भाई, कहानी तो इसका कहानी है भैया वन वॉट को भी डिफाइन करो, तो एक जूल वर्क और एक सेकेंड, एक सेकेंड में एक जूल वर्क करना क्या कहलाता है वन वॉट कहलाता है, वन वॉट। ठीक है, आ जाओ भैया, एक किलो वॉट आवर में कितना होना चाहिए, तो एक किलो वॉट में भैया हमारा कितना होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल होता है, याद रख लेना,
1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, याद रख लेना ये बात, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है सर, ये रहा हमारा माइंड मैप, ये रहा हमारा माइंड मैप। माइंड मैप में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, ठीक है भैया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मान लो रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इन इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, मटेरियल, लेंथ और एरिया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ये हो गया इसका यूनिट हो गया, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं पावर, ये पावर का डेफिनेशन हो गया रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, यूनिट हो गया तुम्हारा वर्ट, फॉर्मूला हो गया पावर का, चार फॉर्मूले, पीज गोल टू में वी आई, और पीज गोल टू में आई स्क्वायर आर, और पीज गोल टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर, और पीज गोल टू में डब्ल्यू बाई टी होता है। यहाँ पे चारों फॉर्मूले लिख दिया है। कमर्शियल यूनिट के डब्ल्यू एच होता है, जिसकी वैल्यू भी जस्ट बताया 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है सर। अब ये आते हैं ओम्स लॉ पर, तो ओम्स लॉ हमारा डेफिनेशन ये देता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम रेजिस्टेंस के ऊपर, तो दो टाइप्स के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर। तो सीरीज के अंदर सिंपल ऐड हो जाता है, और इसके अंदर रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाता है। ये भैया पैरेलल का डायग्राम है और ये सीरीज का डायग्राम है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में, तो दो चीजें हैं, एक तो भैया हीट का फॉर्मूला, ठीक है, और हीट कैसे काम करता है, तो भैया हमारे इलेक्ट्रिक हीटर में, फ्यूज में और बल्ब में, फ्यूज की कहानी देखा है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पे, तो करंट का डेफिनेशन ये हो गया, ये तीन तरीके से हैं, यूनिट एम्पियर होता है, फॉर्मूला क्यू बाई टी होता है, और एमीमीटर से ये मेजर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं, तो ये इसका डेफिनेशन होता है, ये इसका यूनिट होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, और मीटर का क्या है हमारा सिंबल है। अब आते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, तो ये इसके क्या है कुछ सिंबल है, ठीक है सर। अब आते हैं हमारे घरों में कैसे ये यूज होगा, जो कि अगला चैप्टर यहीं से क्या होगा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कहानी हो चुका, वेल डन। हम तीन चैप्टर अब तक क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। लगभग दो घंटे के आसपास मैं नॉन स्टॉप बोले जा रहा हूं। मैं बदले में सब यही चाहता हूं कि आप लोग का ज्ञान बढ़ता रहे, रुकना नहीं चाहिए, और किसी बात का प्रेशर और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ओमी सर बिल्कुल आपके साथ लगे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर हर एक चीज लाइव क्लास लिया जाएगा, बस आप लोगों की बोलने की देरी है, हम अपने तरफ से क्या है पूरे प्रिपेयर है, ठीक है सर। अगला चैप्टर करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है सर, आ जाओ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में हम सबसे पहले क्या जान लेते हैं, मैग्नेट के बारे में जान लेते तो सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस, मैग्नेट क्या होता है कि आयरन को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाते, ठीक है भाई कहानी। चलो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, मैग्नेट के हमेशा कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। चलो भाई, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी मैग्नेट को एयर में सस्पेंड किया जाता है फ्रीली, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन दिखाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपास। देखो कैसा भी तू कर लो, हमेशा क्या डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ और साउथ का ही डायरेक्शन दिखाएगा। और ये क्या हो गया हमारा बार मैग्नेट, क्या हो गया हमारा ये बार मैग्नेट, ठीक है भी कहानी। और ये कौन सा मैग्नेट होता है, ये वाला मैग्नेट, ये हॉर्सू मैग्नेट बोलते हैं, जो यू शेप का होता है, ठीक है। और ये भाई ये रह गया, ये हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस। देखो कितने ओम का रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, 5 ओम का, एक तार इधर से जोड़ दो और एक तार इधर से जोड़ दो, हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा। इसकी 5 ओम की औकात है कि करंट को रोक पाएगा, ठीक है सर। चलो भैया आगे देखो, ये देखो दोनों सेम कलर, तो क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा ये रिपल। दोनों डिफरेंट है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बात समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। अ स्पेस अराउंड द कंडक्टर, एक वायर के आसपास का एरिया क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसका एसआई यूनिट बड़े प्यार से टेस्ला जी के नाम पर रखा गया, टेस्ला होता है।
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम समझ सकते हैं किसके मदद से, कंपास के मदद से, ठीक है सर, ठीक है। और ये भैया बार मैग्नेट की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ और ये क्या है साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ से निकलता है और ये साउथ पर आकर खत्म होता है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ चलता है, याद रख लेना। तो ये हो गए उसके कुछ क्या भैया कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से चलता है, कहां तक जाता है, साउथ तक जाता है, और हमेशा कैसा बनाता है, ये क्लोज कर्व बनाता है, ठीक है सर। कहानी भैया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पास होगा, जितना पैरेलल होगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, वो स्ट्रांग रहने वाला है, ठीक है भैया। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चौथा भैया इनसाइड मैग्नेट कैसा होने वाला है, साउथ से कहां रहने वाला है, नॉर्थ रहने वाला है, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, चलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट अभी मैंने बताया नॉर्थ से निकलता है, कहां तक जाता है, साउथ तक जाता है, ठीक है सर। राइट हैंड थंब रूल, तो भैया ये राइट हैंड थंब रूल कब होता है, जब कोई एक स्ट्रेट वायर हो उसका क्या बताना हो, मैग्नेटिक फील्ड बताना हो, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर एक वायर है, मान लो एक करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, एरो की तरफ, इधर की तरफ एरो फ्लो हो रहा है, तो थंब जो होता है करंट का डायरेक्शन बताता है, और ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दो होता है, एक तो होता है इनवर्ड के डायरेक्शन में और एक होता है आउटवर्ड के डायरेक्शन में। तो इनवर्ड में क्रॉस बनाते हैं और आउटवर्ड में डॉट बनाते हैं। याद करने का मैं तरीका बताता हूं, जीन, क्या बताता हूं, जीन। जहां क्रॉस बना होगा उसका मतलब इनवर्ड और एक होता है डाउट, ठीक है भाई। कहानी डी मतलब डाउनवर्ड और आउट मतलब आउटवर्ड। आउटवर्ड जब ऐसे डॉट बना रहेगा, डी मतलब डॉट, डी मतलब डॉट, तो डॉट जब बना रहेगा तो आउटवर्ड, और जीन जीन क्रॉस बना होगा तो क्या होगा, वो इनवर्ड होगा डायरेक्शन। और भैया मैंने बता ही दिया राइट हैंड थंब रूल, अंगूठा इस प्रकार पकड़ो करंट के डायरेक्शन में, कि अंगूठा क्या बताए करंट का डायरेक्शन, और ये थंब क्या बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये रहा कुछ इमेजिनेशन, भैया ये करंट ऐसे था, अंगूठा ऐसे पकड़ लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगर ऐसा होगा, ऐसे करूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है सर। आओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से, करंट के वजह से, कुछ कहानी जान लेते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बताना होगा तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वही सब कहानी, सर्कल और क्लोजर नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बिल्कुल पास पास रहेगा, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, क्या करंट का, कंडक्टर मतलब क्या होता है, करंट को अलाउ करना। तो करंट रहेगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो जितना ज्यादा पास रहेगा उतना ही ज्यादा क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की स्ट्रेंथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है सर। ये रहा कहानी जो अभी मैंने बता रहा था, ठीक है भैया। अब पढ़ते हैं भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। अब भैया स्ट्रेट वायर के जगह में ये वायर कैसा कर दिया, सर्कुलर कर दिया, क्या कर दिया, सर्कुलर कर दिया। तो अब क्या होगा, ते मान लो ये सर्कुलर कोई क्वाइल था, सर्कुलर, अब ऐसा सर्कुलर फॉर्म में है, मान लो एक ऐसा कड़ा है, कौन से फॉर्म में है, करंट ऑफ सर्कुलर फॉर्म में है, तब क्या होगा, तो भैया कुछ नहीं होगा, कहानी वही होगा कि अंगूठे को ऐसे पकड़ लो तो मैग्नेटिक, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर और यहां कहा निकलेगा बाहर, ये वाला जो है अंदर की तरफ और ये वाला कहा है बाहर की तरफ है, और ये वाला अंदर की तरफ। देखो ये जो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो लगाओ करंट ऐसे, ये कहां जाएगा, अंदर, और ये कहां आएगा बाहर से, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, कुछ ऐसा कहानी होता है। सेम वही कहानी, सेम वही कहानी, कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है भाई। चलो सोलेनोइड क्या है, तो क्या करना है, एक वायर को लेके हेलिक्स फॉर्म में ऐसे क्या कर देना है, गोल गोल लपेटते जाना, लपेटते जाना, हमारा क्या बन गया, सोलेनोइड बन गया। और सोलेनोइड कुछ नहीं है, एक तरीके से हमारा क्या होता है, बार मैग्नेट ही है, एक तरीके से क्या है, वो
बार मैग्नेट होता है सोलेनोइड। बस फर्क क्या है, नेचुरल है और हमें क्या बना रहे हैं, आर्टिफिशियल बना रहे हैं। तो देखो भाई सोलेनोइड होता क्या है, अ क्वाइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। एक क्वाइल है जिसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है, और किसका, कॉपर वायर का, बिल्कुल पास पास क्लोजली में क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या कर दिया है, लपेट दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड टू इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। भैया बोला ना कि कुछ नहीं होता, एक तरीके से क्या होता है भैया, हमारा बार मैग्नेट के जैसा होता है। ठीक है सर, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। अच्छा, खास बात, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर इनसाइड, और बाहर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर यूनिफॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, पैरेलल लाइन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पैरेलल लाइन की तरह बिहेव करता है। तभी डायरेक्शन इसको कैसे बताते हैं भैया, आउटसाइड में डायरेक्शन कहां से कहां चलता है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कैसा चलता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है भाई, ये रहा उसका कुछ सिंबल, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, और इसके अंदर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, इसीलिए स्ट्रांग होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल कहां है, पास पास है, और इनका मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस क्या है, गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है सर, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो दो टाइप्स के, एक तो मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, बनाते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होता है, लेकिन इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट सो इट कैन बी इजिली डिमोटाइज, मतलब इसको हम आसानी से बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, लेकिन ये उसको ज्यादा कुछ छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, इसका स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, जो भाई परमानेंट रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसको कम का ज्यादा कैसे कर सकते हैं, करंट को कम ज्यादा करके। ये भैया स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं होता है। पोल्स कैन बी रिवर्स, इसका पोल क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, करंट ऐसे चल रहा था तो अब ऐसे कर देंगे तो इसका पोल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन इसका पोल बदलता नहीं है। यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है बात। अब आते हैं, बहुत कर लिए फील्ड के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में। किसके बारे में भाई, फोर्स के बारे में। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई एंड्रे मैरू नाम के एक साइंटिस्ट, मैरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सजेस्ट किया भैया कि भैया इक्वल मैग्नेट भी एक फोर्स एग्जर्ट करता है। ये नाम से ध्यान से सुनना, क्या नाम है, क्या नाम है भाई, आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तो निकलता है मैग्नेट के अंदर, लेकिन साथ में ये भी क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है सर, अब उनको कैसे पता चला, तो उन्होंने एक कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। भैया एक स्टैंड लिया, इस स्टैंड में हमारा एक हॉर्सू मैग्नेट लगा दिया, क्या लगा दिया, एक हॉर्सू मैग्नेट लगा दिया। ठीक है चलो, हॉर्सू, अब इसके अंदर एक बार, एक ऐसे लोहा का कोई चीज इसके अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया। ये रहा हमारा बार मैग्नेट, और ये रहा लोहे का कोई चीज, इसके अंदर ऐसे क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसे फिट कर दिया। ठीक है चलो, फिट कर दिया। अब इसको, इसको तार से ऐसे क्या कर रखा है भैया, बांध रखा है, और उस तार में ऐसे चीजों को लेकर तार से बांध कर एक बैटरी से और की से लगा दिया है। तो जब से इसके अंदर करंट गया, तो ये अपने आप क्या होने लग गया, हिलने डुलने लग गया। हिलने डुलने का मतलब क्या हो गया, न्यूटन बाबा आ गए, कोई चीज मोशन में आएगा तो उसके ऊपर जरूर कोई क्या लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, यहां से उन्होंने फोर्स का डिफाइन किया। ठीक है सर चलो, अब इस फोर्स में आ जाने से हमारे राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल बाबा बाबा क्या हो गए, गायब हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने फोर्स वोर्स नहीं बताया। अब उसका डायरेक्शन बताने के लिए कौन आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जी आएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अब कहानी हम पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो हमारा फोर्स, ये होता है फोर्स बताता है फर्स्ट एंगल, और ये वाला क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या बताता है, क्या क्या क्या, करंट बताता है। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। ठीक है भाई, आ जाओ भैया। टाइप्स ऑफ करंट पढ़ते थे, दो टाइप्स के करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन हर बार बदलता रहता है, लगभग 1/2 सेकेंड।
एक सेकेंड में इतना बार अपना डायरेक्शन बदल लेता है, लेकिन यह डायरेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है, ये भैया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऑपरेट होता है और ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए ऑपरेट होता है। इसको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि अपना डायरेक्शन बदलता रहता है, लेकिन इसको स्टोर कर पाएंगे क्योंकि अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये भैया इसको और भाषा में हो सकते हैं, सस्ता होता है और ये क्या होता है, महंगा होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, ये टीवी टावी के चलाने में उलाने में काम आता है और ये सेलुलर बैटरी में पाया जाता है। ठीक है सर, अब आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अब आते हैं घर के सर्किट के बारे में। तो तीन वायर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर का, एक होता है ग्रीन कलर का और एक होता है हमारा रेड कलर का। ये हमारा मेन वायर है, तीन कहानी होती है। तो सुनना भैया, एक होता है लाइव वायर जो कौन से कलर का होता है भैया, पॉजिटिव, जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। रेड कलर वाले को लाइव वायर और ग्रीन वाले को अर्थिंग बोला जाता है और ब्लैक वाले को न्यूट्रल वायर बोला जाता है। वही सेम बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में, लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच का जो फेज, जो पाथ डिफरेंस, ओ सॉरी, वोल्टेज जो होता है डिफरेंस 220 वोल्ट, यानी इंडिया में 220 वोल्टेज का क्या आता है, करंट आता है। ये तो भैया अर्थिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों से लेना देना है। इन दोनों का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कितना, इंडिया के अंदर 220 होता है। कैसे कैसे आता है, पोल से करंट आता है, मेन बिजली मेन सप्लाई में भेजा जाता है, उसके बाद फ्यूज लगा रहता है, फिर हम मीटर लगा के रखते हैं, एमसीबी लगा के रख लो भैया, उसके बाद सेपरेट सेपरेट तुम चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है सर, ये रहा कहानी, ये हमारा हो गया भैया क्या, पोल, क्या हो गया हमारा, पोल हो गया। ठीक है, पोल में ऐसे वायर निकला, यहाँ पर हमारा हो गया मीटर, ये लाइव वायर की कहानी है, फ्यूज जिसके अंदर लगा हुआ है उसके बाद घरों में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ वायर, अर्थ वायरिंग जो एक्स्ट्रा लीकेज फीकेज होता है सब किसके अंदर डाल लेते हैं, अर्थ वायर, देखो प्रोटेक्ट करता है कहां से, इलेक्ट्रिक शॉक से। जब करंट क्या करता है, लीकेज उकेज करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, मेटेलिक बॉडी डाल के क्या कर देते हैं, उसका अर्थिंग कर देते हैं, तो लीकेज से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, अगला शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है भैया, जब एक ही सर्किट में जरूरत से ज्यादा चीजों को डाल दो भाई, उसी सर्किट में मोबाइल चार्ज, टीवी चलाओ, लैपटॉप चलाओ, जरूरत से ज्यादा वहां से करंट रन करो, जरूरत ज्यादा वहां से करंट निकालने की कोशिश करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है सर, ओवरलोड, ओवरलोडिंग वही है कि ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन करंट इज ड्रॉन मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी से ज्यादा तुम करंट को निकाल दोगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलोडिंग कहलाएगा। और कॉज क्या होता है, मैंने बता दिया, जरूरत से ज्यादा तुम चीजें लगा दो उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग। फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज क्या है भैया, फ्यूज, तो फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो भैया एक्स्ट्रा करंट को से हमें क्या करता है, झटकों से बचाता है। करंट ज्यादा हो जाता है तो ये तार पतला होता है, करंट ज्यादा हो जाएगा तो हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा तो ये भैया मेल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा और ये भाई धक से वहीं से लाइट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिससे होम अप्लायंस क्या बचे रहेंगे, बिल्कुल आसानी से सुरक्षित बचा रहेगा, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी, अगर ये मोटा बना देता, बिल्कुल मोटा, तो पिघलता ही नहीं, इतने में सारा कहानी करके क्या हो जाता, करंट चला जाता हाई वोल्टेज, तब दिक्कत होता, इसीलिए फ्यूज का तार क्या रक्षा रखते हैं, बिल्कुल पतला रखते हैं। ठीक है सर, नोट, नोट क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इंडक्शन, ये सब हमारे राइट हैंड रूल हमारे सिलेबस में है ही नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया, कहानी समाप्त। ये रहा इसका पूरा डिटेल, पूरा ब्यौरा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या पढ़ेंगे, टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टी, टाइप्स कितने टाइप्स के, आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल दो होते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि अट्रैक्टिव होता है, डायरेक्शन इसके अंदर होता है, पोल भैया सिंगल पेयर में नहीं एग्जिस्ट करता, डबल पोल होता है और सेम वाले अट्रैक्ट करते हैं और भैया वो वाले रिपल करते हैं, अनलाइक वाले अट्रैक्ट करते हैं और सेम वाले रिपल करते हैं। ठीक है सर, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या भैया, फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस क्या होते हैं भैया, उसकी प्रॉपर्टी लिख देना,
नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करता है। इसके अंदर बार मैग्नेट के अंदर पैरेलल होता है, यही सब बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ेंगे भैया, ये तो भैया हमारे सिलेबस से क्या हो चुका है, डिलीट ही चुका है, तो छोड़ दो भाई कहानी। फोर्स के भैया मैंने बताया, फोर्स क्या बताता है, डायरेक्शन, और इसका फोर्स का जो फॉर्मूला होता है भैया, वैसे तो ट्वेल्थ में आता है लेकिन कोई नहीं, लिख सकते हो, ये कहानी होता है। एफ इज इक्वल टू में बी आई एल, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, और एन मतलब लेंथ, और एम मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। और इसका डायरेक्शन कैसा बताया जाएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से बताया जाता है। फिर भैया उसका मैग्नेटिक फील्ड भैया तीन तरीके से, एक तो सोलेनोइड, सर्कुलर लूप और स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से ये सारी कहानी होती है। फिर लास्ट में आ जाएंगे भैया कहानी डोमेस्टिक सर्किट का, कहाँ इसके अंदर नहीं है बस। तो भैया इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया लेकर अपना कहानी आगे बढ़ा सकते हो। टंटना 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 टन टन टन, मिट चुका भैया। तो कहानी हम यहां तक वो आ चुके हैं, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ भाई खत्म हो चुका है भैया, खत्म हो चुका है भैया। सबको पेपर के लिए मिस्टर परफेक्ट की तरफ से ऑल द बेस्ट, और जाइए पेपर में फोड़ के आइए, और उससे पहले हमारा T20 सीरीज देखना ना भूले भैया। सबको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, और भैया अगर पेपर आपका अच्छा जाता है तो भैया हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करिए, शेयर करिए, ऐसे हम उन लोगों के लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। लास्ट स्लाइड हम देख लेते हैं भैया क्या है, बहुत प्यारा सा, थैंक यू फॉर लिसनिंग भैया, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए भाई, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं भैया अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, जो भी जिसके हिसाब से हिसाब किताब चल रहा हो, बाय बाय सबको, बाय बाय।